वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टेक्स्ट टारगेट की नई क्लास में। चलिए साहब, कल हमने तीन चैप्टर फाइनली अपने कंप्लीट कर लिए हैं। हम अपने कोर्स में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट मींस एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल फाइंड की इनकम टैक्स कितना ईजी था। अभी तक हमने खामखा इशू कर दिए। होमवर्क होप सो आप जरूर कर रहे हैं। मैं एक नई चीज लेकर आने वाला हूं। मैं YouTube पर लाइव आया करूंगा शाम को। मैं सोच रहा हूं कि उसमें लाइव बच्चों से इंटरेक्शन हो, ताकि एक बच्चे का कोई प्रॉब्लम हो तो दूसरा बच्चा, या तो उसी, क्या पता उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, वो अपने आप उसको आंसर मिल जाए। क्योंकि क्वेरीज काफी आती, तो हो सकता है कि एक ही टाइम पर कई बच्चों का एक तरीके से सॉल्यूशन हो जाए। तो टाइमिंग मैं आपको कल परसों में या आज शाम को अपडेट कर दूंगा। आपके पास व्हाट्सएप पर जरूर टाइमिंग पहुंच जाएगी। आपको कोई भी इश्यू होगा वो वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे। डायरेक्ट टैक्स में वहीं तक का डिस्कस करेंगे जहां तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है। अदरवाइज आपको कोई इश्यू है, पढ़ने में कोई दिक्कत है, टाइम टेबल नहीं बन रहा है, बोथ ग्रुप, सिंगल ग्रुप, थ्योरी, प्रैक्टिकल, आर्टिकलशिप विद स्टडी, जॉब विद स्टडी, कुछ भी, किसी भी तरह का इश्यू है तो अपन वहां डिस्कस करेंगे 1-to-1 कन्वर्सेशन करके। ठीक है? ठीक है जी। चलिए, तो ये जल्द ही आपको अपडेट कर दी जाएगी। कल हमने एक चैप्टर फिनिश किया था। कल मैंने कहा था कि मैं आज की क्लास में उसको रिवाइज करवाऊंगा। आज हमारे घर शादी है और हम यहाँ क्लास ले रहे हैं। देखो, देख रहे हो तुम लोग, आज हमारे घर शादी है और हम यहाँ क्लास ले रहे हैं। बट चलो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, फटाफट आइए। होप सो आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए जी, चलिए साहब, मैंने सोचा मन का क्यों ना क्लास तो ली जाए कम से कम। ठीक है, शादियां तो आती जाती रहती हैं, बट क्या करें, बच्चों के अटेम्प्ट नहीं आने जाने चाहिए। छोटी बहन की शादी है आज, कोई बात नहीं, देख लेंगे। क्लास थोड़ा सा हो सकता है जल्दी फिनिश कर दें, बट क्लास लेंगे जरूर। चलिए साहब, सबसे पहले एक बार जो कल मैंने पढ़ाया था, आप उस एक बार मैं उसको रिवाइज करवाऊंगा, उसके बाद मैं फर्दर आगे कंटिन्यू करूंगा। आगे कौन सा चैप्टर हम आज करने वाले हैं? आगे हम आज हो सकता है हाउस प्रॉपर्टी करें या सैलरी करें, डिपेंड कि कौन सा चैप्टर पहले खुलेगा। कोई सा भी एक चैप्टर हम करेंगे। चलो साहब, बहुत बढ़िया। कल कुछ जो भी होमवर्क दिए थे वो होप सो आप लोगों ने कर लिए होंगे। फटाफट इधर आ जाओ, एक बार रिविजन शुरू करते हैं कल वाले चैप्टर की। कल मैंने आपको पढ़ाया था एग्रीकल्चर इनकम, बहुत ही छोटा चैप्टर था। हो सकता है 4 मार्क्स का क्वेश्चन इससे बन जाए, छोटा चैप्टर है और 4 मार्क्स भी आते हैं। चक्कर यह है, इस चैप्टर की खास बात यह, अगर आपने एक दो बार इसको रिवाइज कर लिया, ये जहन में बैठ जाएगा। फिर अगर 4 मार्क्स आए तो 4 के 4 मार्क्स आपके होंगे। फिर ये नहीं कि 4 में से 2 आएंगे, 2.5 आएंगे, 3 आएंगे, नहीं, 4 out of 4, क्योंकि कॉन्सेप्ट इजी, इतने टफ कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में है नहीं। लेकिन बच्चा कई बार क्या करता है, छोड़ जाता है, और कई बार इन्हीं छोड़े हुए चैप्टर से आ जाता है, जिसको कहते हैं अनएक्सपेक्टेड पेपर। बच्चा सोचता है मैं 5 हेड करके चला जाऊं, जीएसटी पूरा करके चला जाऊं, फिर रिजल्ट आता है नेगेटिव, फिर कहते हैं सर मैंने ये प्रिपरेशन की थी, ये प्लानिंग की थी, बट ये दिक्कत हो गई। तो आपको छोड़कर तो कुछ भी नहीं जाना है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है साहब, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई आसान पेपर नहीं है बीकॉम एमकॉम वाले, कि आप जो सिलेक्टेड पढ़ के गए और सिलेक्टेड में पास हो गए। हो सकता है किस्मत आपकी तेज हो, आपका तुक्का लग जाए, एक पेपर में लग जाएगा, 2 में लग जाएगा, 6-6 में नहीं लगेगा। सीए फाउंडेशन में लग गया, सीए इंटर में नहीं लगेगा, सीए इंटर में लग गया, सीए फाइनल में नहीं लगेगा। जरूरी नहीं है कभी भी। और एक बार गलती गलती गलती, वो कहते हैं ना कि एक बार गिर गया तो कई बार बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उठने का मौका ही नहीं मिलता। प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं, प्रैक्टिकली क्या हुआ एक बार, कि यूपी का एक लड़का था, उसका क्या था कि एग्जेम्पशन आई थी, एग्जेम्पशन नहीं, पास आउट हुआ था या एग्जेम्पशन आई थी, ऐसा कुछ था, या एक पेपर में रह गया था, मतलब कुल मिला के रिजल्ट उसके हिसाब से नहीं था, या वो रैंक के लिए प्रिपरेशन कर रहा था और उसकी 3-4 एग्जेम्पशन थी, उसने वो सरेंडर कर दी, एग्जेम्पशन क्लेम ही नहीं की, एग्जेम्पशन क्लेम नहीं की। वो बोला मैंने, मुझे तो रैंक चाहिए, मैं तो रैंक के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं। उस बंदे का आज शायद बैटरी का काम करता है वो, चाहे
कुछ भी हुआ, लेकिन वो बंदा सीए नहीं बन पाया। आप सोच रहे, 3-4 सब्जेक्ट में एग्जेम्पशन क्लेम करने के बाद भी वो रैंक के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, उसने बोला कि जिद है मुझे चाहिए तो रैंक ही चाहिए, मैं रैंक से ही सीए बनूंगा। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि भगवान ने जो दिया आपको, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको ढंग से रखते नहीं हैं, तो फिर वो वापस चली जाती है चीज, वो वापस उस लड़के से चली गई। किस्मत कहो या कुछ भी कहो, लेकिन वो लड़का सीए नहीं बन पाया, उसने अपना खुद का बैटरी वगैरह का काम किया। चलो कोई बात नहीं, गलतियों से ही हमें सीखना चाहिए। चलो फटाफट एक बार शुरू करते हैं एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम में मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर इनकम किसको कहते हैं। सबसे पहली बात, एग्रीकल्चर इनकम हमारी इंडिया में एग्जेम्प्ट होती है, बशर्ते वो एग्रीकल्चर इनकम कहां से होनी चाहिए, इंडिया से होनी चाहिए। दूसरी बात, वो जो एग्रीकल्चर इनकम है या रेंट वगैरह एग्रीकल्चर लैंड से आ रहा है, कंडीशन बेसिकली इस चैप्टर की दो थी, एक एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में होनी चाहिए, दूसरी थी कि जो भी आपने वो एग्रीकल्चर लैंड का यूज किया हो वो यूज एग्रीकल्चर पर्पस के लिए होना चाहिए, उसके अलावा वो नहीं माना जाएगा। चलो डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम किस किस को कहेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, अगर अगर कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आ रहा है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का क्या मतलब था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मतलब था कि दाल चावल गेहूं वगैरह की कोई फसल है, आप उसको काट कर उसको बेचकर पैसा अर्न कर रहे हैं, तो वहां से अगर आपको इनकम आ रही है तो वो आपकी इनकम क्या कहलाएगी सर, वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, अगर कोई रेंट रिवेन्यू आ रहा है, रेंट मतलब आपने एग्रीकल्चर लैंड रेंट पर दी है, उसने आगे सबलेट कर दी, तो जो भी रेंट वगैरह आएगा वो सारी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी, बशर्ते वो जो लैंड का यूज हो वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हो। एक क्वेश्चन था जिसमें उस लैंड का यूज किस पर हो रहा था, फिल्म शूटिंग के लिए, बहुत सुंदर फूलों का वो लगा हुआ था, उसमें उन्होंने एग्रीकल्चर भी की साथ में फिल्म शूटिंग भी करवा दी, फिल्म शूटिंग कर शूट करवा दी, तो वहां से आई हुई इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगी। फूल फूल फ्लावर्स से जो इनकम आई वो मेरी एग्रीकल्चर इनकम होगी। अगर कोई रिवेन्यू आ रहा है, रिवेन्यू का मतलब कोई लीज वगैरह पर एग्रीकल्चर लैंड दे रखी थी, वो लीज रिन्यू वगैरह हुई है, तो वो जो भी पैसा आएगा वो क्या कहलाएगा, एग्रीकल्चर इनकम। अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम कोई फार्म बिल्डिंग है खेत में, वहां से कुछ रिवेन्यू आ रहा है, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी, बशर्ते वो जो फार्म बिल्डिंग है वो आपकी विसिनिटी मतलब उस खेत के बहुत बहुत नजदीक या खेत के अंदर ही होनी चाहिए, और जो उसका यूज होगा वो किस पर्पज के लिए होगा, मैंने आपको बताया था खाद बीज रखने के लिए, पानी की मोटर रखने के लिए, जो कृषि के लिए जो मशीनरीज हैं उनको रखने के लिए उसका यूज होता है। इनकम फ्रॉम प्लांटिंग सीड्स ग्रोइंग इन द नर्सरी, अगर वो है तो वो भी क्या होगा, एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। फिर कुछ एग्जांपल्स हैं, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सीड्स, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स एंड क्रीपर्स, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम लैंड यूज्ड फॉर ग्राजनिंग ग्राजिंग ऑफ कैटल रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग ऑफ बंबू बैम्बू, इनकम फ्रॉम ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्म, फिशिंग, डेयरी फार्मिंग, इनमें से कोई भी एक्टिविटी कभी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं होती। बात समझ आई? हाँ सर समझ आ गई। इसके बाद मैंने आपको कुछ एक दो पॉइंट और बताए थे कि अगर आपको बाई चांस यहां पर मैंने बताया था, ये रेंट वाले पॉइंट में, अगर यहां पर रेंट डिले आता है, रेंट डिले आता है, और उस रेंट डिले की वजह से आपको क्या मिल रहा है सर, उस रेंट डिले की वजह से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन डिले ऑन द रेंट रिसीव्ड फॉर यूज्ड ऑफ द एग्रीकल्चर पर्पस, लैंड यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस, तो उस केस में वो रेंट जो इंटरेस्ट मिला वो मेरी एग्रीकल्चर इनकम होगी कि मेरी इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगी। सर वो IFOS में काउंट होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में काउंट होगी। चलिए साहब बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मैंने बताया था, अगर आपको कंपनसेशन मिला फॉर इंश्योरेंस कंपनी से, किस बात के लिए, क्रॉप फसल थी वो आपकी खराब हो गई, वहां से अगर इंश्योरेंस कंपनसेशन वगैरह मिलता है तो जो भी पैसा आएगा वो आपकी क्या कहलाएगी, एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। उसके बाद मैंने बताया था, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज, वाइल्ड ग्रास, फ्लावर्स, जो जंगली पेड़ पौधे होते हैं वो, उसको बेचकर आपको कोई इनकम मिल रही है तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने उस पर बेसिक ऑपरेशन या सब्सिक्वेंट ऑपरेशन नहीं किया है, वो होना बहुत जरूरी है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाले केस में।
बेसिक ऑपरेशन मैंने क्या बताया था, बेसिक ऑपरेशन में मैंने बताया था जिस पर लेबर वगैरह स्किल लेबर लगी हो, स्किल लगा हो लेबर का, और फिर आपने कुछ प्रोड्यूस किया हो, तब जाकर अगर ऐसे ही स्पॉन्टेनियसली कोई पेड़ उगे हैं वो आपने काट कर बेच दिए तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं आएगी। सब्सिक्वेंट ऑपरेशन का क्या मतलब था, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन का मतलब था कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो जिस भी क्वालिटी में जिस भी मात्रा में जमीन से निकला है वो एज इट इज मार्केट में नहीं बिक सकता, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन उसके लिए नेसेसिटी है बेचने के लिए, तो वो भी क्या कहलाएगा, एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ठीक है जी, ये क्वेश्चन था आपका। उसके बाद था सेल ऑफ अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, सेल ऑफ अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इस केस में क्या है सर, इस केस में ये था कि बाई चांस मान लो आप फर्दर यूज करते हैं, किस चीज का फर्दर यूज करते हैं सर, कोई ऐसी एक्टिविटी है एग्रीकल्चर एक्टिविटी है जिसमें आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी करते हैं साथ में कोई बिजनेस एक्टिविटी भी करते हैं, वो प्योर एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। फॉर टेक एन एग्जाम्पल, अगर गेहूं दाल, गेहूं धान चावल दालें कुछ भी फ्लावर्स शहद वगैरह अगर आप कुछ भी बना रहे हैं खेतों में और आप उसको सेल कर रहे हैं, दैट मींस वो एक्टिविटी कौन सी है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी। बट एट द सेम टाइम अगर आप फल फ्रूट तोड़कर जूस निकाल के पैक करके उसको डिब्बों में बेच रहे हैं, दैट मींस यहां पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी है साथ में कोई बिजनेस एक्टिविटी भी है। दूसरा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था शुगर केन से गन्ना या गुड़ बना रहे हैं, उस केस में भी वो क्या कहलाएगा, एग्रीकल्चर प्लस बिजनेस एक्टिविटी। तो हमने आपको पहले बताया था कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनको बायफर्केट किया गया है, जिनको बायफर्केट किया गया है, तीन ऐसी चार एक्टिविटी थी, हाँ जी तीन ऐसी एक्टिविटी थी जिसमें 4% है, तीन एक्टिविटी हैं 4% है, तीन ऐसी एक्टिविटी हैं जो काफी हाई लेवल पर होती हैं, तो इसलिए सरकार ने बोला कि जो भी रेवेन्यू इनकम आएगी हम उसका परसेंटेज बता देते हैं, परसेंटेज बता देते हैं, इतना उसमें एग्रीकल्चर इनकम होगी बाकी उसमें बिजनेस इनकम होगी। ऐसा इनमें स्पेसिफिकली इनमें क्यों किया, क्योंकि इनकी मात्रा ज्यादा है, ज्यादा क्वांटिटी में ये सेल आउट होते हैं। इनके अलावा जो भी ट्रीटमेंट होगा वो आपका यहां पर होगा। तो दो तरीके से हैं, जो चाय कॉफी रबड़ वगैरह है उनके लिए फिक्स परसेंटेज है, जबकि अदर प्रोडक्ट है जैसे गन्ना वगैरह है फ्लावर्स वगैरह है, फ्लावर्स का कई बार जूस निकाला जाता है, रस निकाला जाता है, फिर उसको बेचा जाता है, उनके लिए ये ट्रीटमेंट दिया गया है, ये एक प्रोसीजर दिया गया है जिसके थ्रू आप बायफर्केट कर सकते हैं एग्रीकल्चर इनकम को और बिजनेस इनकम को। बहुत बढ़िया। चलो अगर आप उस प्रोडक्ट को रॉ फॉर्म में बेच सकते हैं, अगर आप उस प्रोडक्ट को रॉ फॉर्म में बेच सकते हैं तो वो क्या होगा, टोटल एग्रीकल्चर इनकम, वो पूरी की पूरी आपकी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। लेकिन अगर आप उसको रॉ फॉर्म में नहीं बेच रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं मतलब जमीन से निकाला फिर उसका आपने प्रोसेस किया, फिर आपको वो प्रोसेस देखनी है, प्रोसेस देखकर आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या ये प्रोसेस जरूरी थी, कंपल्शन थी, इसके बिना भी क्या प्रोडक्ट बिक सकता था। अगर आपको लगे कि हाँ जी प्रोसेस कंपलसरी थी, इसके बिना ये प्रोडक्ट नहीं बिक सकता था, तो उस केस में आप क्या करेंगे सर, उस केस में हम करेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, पूरी की पूरी इनकम एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी, अगर कंपलसरी थी मतलब उसके बिना नहीं बिक सकता था, उसके बिना उस प्रोसेस के बिना हम उसको बेच ही नहीं सकते थे, मैंने एग्जाम्पल दिया था वीट का गेहूं का। दूसरा ऑप्शनल है, आप प्रोसेस करो तो भी बिक जाएगा, ना करो तो भी बिक जाएगा, गन्ना है, मैंगोज है, सेब है, अनार है, आप उनको पेटी अच्छी अच्छी पेटियों में पैक करके, बॉक्सेस में पैक करके, स्टिकर लगा के, एकदम पॉलिश वगैरह चमकाया जाता है, उनका कलर निकाला जाता है, ऐसा करके मत बेचो, रॉ फॉर्म में बिक सक जाएगा। अगर आपने उस पे कुछ प्रोसेस की जो बिल्कुल ऑप्शनल थी, कोई दिक्कत नहीं थी, उसके बिना भी सेल होता, तो उस केस में फिर आपको एग्रीकल्चर इनकम अलग निकालनी पड़ेगी और बीजीबीपी की इनकम अलग निकालनी पड़ेगी। बीजीबीपी मैंने आपको कहा था, यहां पर खड़े होकर मानना कि आपके दो बिजनेसेस हैं, एक वहां पर खत्म हो जाता है जहां पर आपके खेत एग्रीकल्चर लैंड खत्म हो जाती है, दूसरा प्रोसेस शुरू होता है फैक्ट्री में जाकर, इस हाथ से लेकर इस हाथ को देना। हाँ जी हाँ जी, बात समझ आई, हाँ सर समझ आ गई। चलो फटाफट बताओ, अगर 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 बाई चांस यहां का मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें पीजीबीपी की इनकम क्या मानोगे, पीजीबीपी की इनकम मैं वो मानूंगा जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट बना, आफ्टर प्रोसेसिंग जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट बना
वो जितने में बिक गया वो मेरी हो जाएगी सेल वैल्यू, उसमें से माइनस कर दूंगा जो मैं खेत से एग्रीकल्चर लैंड से जो प्रोडक्ट लाया था उस दिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी, वो मैं उसकी कॉस्ट ले लूंगा फैक्ट्री में, वो माइनस कर दूंगा। माइनस कर दूंगा अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लगा है, जो भी बचा वो मेरा पीजीबीपी की इनकम आएगा। अब मैं अगर एग्रीकल्चर की बात करूं, एग्रीकल्चर इनकम कौन सी होगी, खेत से जब मैं फैक्ट्री में ट्रांसफर कर रहा था उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो मैं ले लूंगा सेल, माइनस कर दूंगा खेत में जो भी कोई मेरा खर्चा लगा होगा, खाद का, बीज का, बुआई का, कटाई का, पानी का, कुछ भी रहेगा तो वो मैं कर दूंगा माइनस, जो भी बचेगा वो मेरी एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी एग्जेम्प्ट। लेकिन आपकी एग्रीकल्चर इनकम के साथ नॉन एग्रीकल्चर इनकम है तो मैंने कल आपको एक यहां पर नया कॉन्सेप्ट बताया था कॉल्ड पार्शियल इंटीग्रेशन या मेथड ऑफ एग्रीगेशन, एक ही कॉन्सेप्ट के दो नाम है। ये कॉन्सेप्ट कहां पर लगता है, ये कॉन्सेप्ट वहां पर लगता है जहां पर एग्रीकल्चर इनकम के साथ साथ आपकी अदर देन एग्रीकल्चर इनकम भी है। अगर आपकी प्योर एग्रीकल्चर इनकम है तो वो सेक्शन 10(1) में एग्जेम्प्ट है। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम के साथ साथ बिजनेस इनकम, पीजीबीपी सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, किसी भी तरह की इनकम है तो वहां पर मैं कॉन्सेप्ट लगाकर चलता हूं कॉल्ड पार्शियल इंटीग्रेशन या फिर कहूं मेथड ऑफ एग्रीगेशन। हाँ जी, सबसे पहले एक बार इसी कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड ऑफ एग्रीगेशन। अब मैंने चैप्टर पढ़ा दिया, अब आपके लिए पूरा चैप्टर खिलौना है, उस कॉन्सेप्ट के बाद वो पढ़ लो, उसके बाद वो पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आ जाओ जी, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, पार्शियल इंटीग्रेशन ये किस पर लगता है? सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, उन्हीं पर लगता है जिन पर स्लैब रेट लगते हैं। स्लैब रेट का मतलब किस किस पर, इंडिविजुअल, एचएफ, एओपी, बीओआई पर ही एंड आर्टिफिशियल पर्सन पर ही ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, दैट मींस ये कंपनी और फर्म पर नहीं लगेगा। इसके दो कारण थे, एक मैंने बेसिक कारण आपको बताया था क्योंकि कंपनी और फर्म के जो ऑब्जेक्ट क्लोज होते हैं, एमओए होते हैं, वो क्लियरली लिखा होता है पार्टनरशिप डीड में, क्लियरली मेंशन होता है कि ये जो पर्सन है, ये जो एंटिटी है, ये क्या काम करेगी, उसके अलावा नहीं कर सकते। दूसरा एक कारण था, यहां पर कंडीशन थी पार्शियल इंटीग्रेशन लगाने की कि आपकी जो इनकम है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए। दैट्स व्हाई ये कॉन्सेप्ट लगेगा सिर्फ वहां पर जहां पर स्लैब रेट आता है। दूसरा मैंने बताया था कि पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड ऑफ एग्रीगेशन क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये कह के चलता है कि भैया ये इनडायरेक्ट वे में एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स किया जाता है। ठीक है सर, कैसे इसकी कैलकुलेशंस होती हैं, कैलकुलेशंस होती हैं, सबसे पहले आप नेट एग्रीकल्चर इनकम का क्या मतलब है कि ग्रॉस एग्रीकल्चर इनकम माइनस एक्सपेंसिस माइनस लॉसेस अगर कोई है, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस आए हैं या करंट ईयर का कोई दूसरी एग्रीकल्चर एक्टिविटी से लॉस है तो वो आप सेट ऑफ करके चलेंगे, प्लस करेंगे नॉन एग्रीकल्चर इनकम, तो दोनों को टोटल करके टोटल इनकम पर आप टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरे स्टेप में आप एग्जेम्प्ट इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। एग्जेम्प्ट इनकम कौन सी, एक तो एग्रीकल्चर, एक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, दोनों पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। स्टेप वन में से स्टेप टू माइनस कर देंगे, जो भी फिगर आएगी आप उस पर, अगर सरचार्ज एप्लीकेबल है सरचार्ज लगाएंगे, मार्जिन रिलीफ एप्लीकेबल है मार्जिन रिलीफ लगाएंगे, और रिबेट अंडर सेक्शन 87A जरूर देंगे। लास्ट में उसमें क्या ऐड कर देंगे, HEC 4% का उसमें आप सेस ऐड करके चलेंगे। हाँ जी बोलो। चलिए जी, चलिए चलिए चलिए, फटाफट आइए, फटाफट आइए, आइए आइए सर आइए। चलिए जी, असुविधा के लिए खेद है। हाँ जी, हम कहां पर थे, हम थे पार्शियल इंटीग्रेशन वाले कॉन्सेप्ट पर। ये कॉन्सेप्ट हुआ कंप्लीट। साथ में एक कॉन्सेप्ट था लॉस फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम। लॉस चलो इसको बाद में ही करेंगे, हम तो यहां पढ़ा रहे थे, यहां से पढ़ाते पढ़ाते हम वहां चले गए थे। इससे पहले का हमने कर दिया था कंप्लीट 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 कंप्लीट। डिटरमिनेशन ऑफ मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू सिंपल सिंपल इसी बात है, जिस प्राइस पर
वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बिक सकता था मार्केट में, वही उसकी क्या कहलाएगी, मार्केट वैल्यू कहलाएगी। ये कौन क्वेश्चन था, ये मैंने होमवर्क दिया था, साथ में इसका आंसर है, कहीं डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। चलो, अपोर्शनमेंट ऑफ द थ्री बिजनेसमैन, थ्री बिजनेस इनकम, एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम, दैट मींस बिजनेस इनकम। चलो, तीन बिजनेस कौन कौन से थे सर, एक रबड़ का था, लेटेक्स का था, सेनेक्स, तीनों का एक ही नाम है, रबर, लेटेक्स, सेनेक्स। अगर कुछ भी दिया हो तो उस केस में एग्रीकल्चर इनकम 65%, नॉन एग्रीकल्चर इनकम 35%, 65%, 35% लेकर चलेंगे। दूसरा जो बिजनेस था वो ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी, ग्रोइंग, ग्रो करना है, उगाना है, सीधा अगर लिखा हो बिजनेस ऑफ रोस्टेड एंड ग्राउंडेड तो वो सिर्फ बिजनेस है, लेकिन लिखा हो ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग तो उस केस में अगर कॉफी का बिजनेस है तो 75% एंड 25% हम बाइफर्केट करेंगे, और साथ में अगर रोस्टेड एंड ग्राउंडेड है तो फिर 75 से घटकर क्या हो जाएगा, 65% एग्रीकल्चर इनकम और कम कर दी, और फिर उधर हो जाएगा 40%। और अगर चाय की बात करूं, चाय की बात करूं, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, ग्रो भी करना और मैन्युफैक्चरिंग भी करना चाय, तो 60-40 में इसको प्रोपोर्शनेटली बांट देंगे। हमेशा याद रखना, जो भी हायर साइड परसेंटेज है, जो भी हायर साइड परसेंटेज है, वो हमेशा एग्रीकल्चर इनकम होगी, ये हमेशा मेरी क्या होगी, एग्रीकल्चर इनकम होगी। बहुत बढ़िया जी, फिर मैंने आपको बतलाया था कि आप कैसे 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 बाइफर्केट करेंगे। इस चार्ट से पहले मैंने आपको, जल्दी फटाफट आ जाओ, इस चार्ट से पहले मैंने आपको एग्रीकल्चर लैंड के बारे में बताया था। एग्रीकल्चर लैंड, दो तरह की एग्रीकल्चर लैंड होती है, एक अर्बन एक रूरल, यहां पे लिखा हुआ है। हाँ जी, इसमें मैंने 6 पॉइंट्स आपको बताए थे, 6 पॉइंट्स में से कितने पॉइंटों में इनकम टैक्सेबल थी सर, सिर्फ और सिर्फ 6 में से एक पॉइंट में टैक्सेबल थी, वो पॉइंट कौन सा था सर, अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, शहरी खेती की जमीन, गांव की नहीं, शहर की खेती की जमीन, अगर वो सेल करते हैं, अपनी इच्छा से सेल करते हैं, तो वो कैपिटल गेन में आएगी। अगर शहर की एग्रीकल्चर लैंड वो क्या करते, कंपलसरी एक्वायर कर लेती गवर्नमेंट, तो वो कहां पर एग्जेम्प्ट थी, 1037 में एग्जेम्प्ट थी। चलो, अगर शहर की जमीन की ही कोई एग्रीकल्चर इनकम है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी अंडर सेक्शन 10(1). एग्रीकल्चर इनकम का मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आप बेचेंगे, उस एग्रीकल्चर लैंड को आप रेंट पर देंगे। हाँ जी, फटाफट। हाँ जी, हाँ जी, यस सर, ठीक है। शहर की जमीन की बात होगी, तीनों का मैंने बता दिया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आया एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10(1) में, अगर कंपलसरी एक्वायर हुआ एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 1037 में, और अगर आपने सेल कर दी एग्रीकल्चर लैंड जो अर्बन एरिया की है तो वो हो जाएगा कैपिटल गेन आपका। गांव की जमीन की बात करें तो तीन तरह का, वहां से अगर वहां से भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आया वो एग्जेम्प्ट था आपका, हाँ जी, वो एग्जेम्प्ट था आपका सेक्शन 10(1) में, और अगर कंपलसरी एक्वायर है या आपने सेल किया तो वो टैक्सेबल होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो एग्रीकल्चर लैंड मानी ही नहीं जाती। ये वाला डायग्राम मैंने कल आपको करवाया था, यस और नो, ये वाला डायग्राम पूरा का पूरा मैंने आपको बनवाया था। हाँ सर, कल 28 तारीख थी, हाँ सर आपने बनवाया था, आज 29 तारीख है, बिकॉज ये कैपिटल असेट्स के डेफिनेशन में कवर नहीं होते। ठीक है, ठीक है जी, चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ जाओ जी, फटाफट आ जाओ। चलिए साहब, आइए। हाँ जी, फिर मैंने बताया था कि आप बाइफरकेट कैसे करेंगे शहर की जमीन और गांव की जमीन को, शहर की जमीन और गांव की जमीन को बाइफरकेट करने के लिए यू हैव टू कंसीडर द म्युनिसिपल एरिया या कंटेनमेंट बोर्ड। म्युनिसिपल एरिया नॉर्मल म्युनिसिपैलिटी, कंटेनमेंट बोर्ड का मतलब था जो कैंट एरिया होते हैं, जो फौजी इलाके होते हैं, जहां पर फौज रहती है, दिल्ली कैंट, अंबाला कैंट वगैरह एरिया, तो उस लिमिट से, उसकी लिमिट से मैं चेक करूंगा 2 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर तक मैं पॉपुलेशन चेक करूंगा। अगर पॉपुलेशन है मेरी 10,000 तक, 10,000 तक अगर मेरी पॉपुलेशन है तो वो रूलर माना जाएगा, मतलब यहां मान लो ये सीमा है, सीमा मतलब एरिया लाइन, इससे पहले का जो एरिया है ये हो जाएगा अर्बन, लेकिन इसके बाद का 2 किलोमीटर तक अगर पॉपुलेशन मेरी 10,000 से नीचे है तो मैं क्या मानूंगा, वो रूलर एरिया हो जाएगा, फिर इधर का अर्बन हो जाएगा, इस साइड का अर्बन, इस साइड का रूरल, फिर 2 किलोमीटर से आगे बढ़ूंगा, 2 किलोमीटर से आगे 6 किलोमीटर तक बढ़ूंगा,
6 किलोमीटर तक मैं चेक करूंगा, अगर पॉपुलेशन मेरी 1 लाख तक है तो उस केस में रूरल अदरवाइज अर्बन, अगर 1 लाख से एक्सीड कर गई, 10,000 से एक्सीड कर गई, तो 2 किलोमीटर तक या 6 किलोमीटर तक का एरिया क्या आ जाएगा, अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्र होगा। इसके बाद मैं चेक करूंगा 8 किलोमीटर तक, सर हर हर जगह चेक करेंगे, हाँ तीनों लाइनें हर जगह चेक करेंगे, सर अलग अलग क्यों बनाई, सीधा 8 किलोमीटर तक बना देता, अरे छोटे शहरों में पहले ये चेक करेंगे, उससे बड़े शहरों में ये, बड़े शहरों में ये। अब दिल्ली के लिए 2 किलोमीटर तक क्या चेक करोगे, दिल्ली के लिए सीधा 8 तक चेक करो, ठीक है। हाँ जी, 8 किलोमीटर तक 10 लाख की पॉपुलेशन चेक करेंगे, विद एग्जाम्पल्स मैंने नीचे दिया हुआ है। प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, वेदर इट इज एग्रीकल्चर इनकम, नो ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी, अगर आपने बेच दिया तो वो टैक्सेबल हो जाएगी कैपिटल गेन में। पार्शियल इंटीग्रेशन मैंने पढ़ा ही दिया, लॉस, लॉस फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम, लॉसेस फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम का आप क्या करेंगे, लॉसेस फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम को हम सेट ऑफ कर देंगे अगर इस साल में कोई और एग्रीकल्चर इनकम है। मान लो आपकी दो बिजनेस एक्टिविटीज हैं, दो बिजनेस हैं आपके, एक एग्रीकल्चर में आप कुछ भी गेहूं उगाते हो, दूसरे में फ्लावर उगाते हो, तीसरे में कोई पेड़ पौधे उगा रखे हैं, वहां से तीनों से अलग अलग एग्रीकल्चर इनकम है, एक में लॉस है, दूसरे से सेट ऑफ कर लो करंट ईयर में, अगर करंट ईयर में सेट ऑफ नहीं कर पा रहे तो आप उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, कितने साल तक, सर 8 ईयर तक, 8 साल तक हम उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और जब आगे कैरी फॉरवर्ड करोगे या करंट ईयर में, वो सिर्फ और सिर्फ जो लॉस है वो एग्रीकल्चर इनकम से ही सेट ऑफ होगा, एग्रीकल्चर लॉस कभी भी नॉर्मल इनकम से सेट ऑफ नहीं होता, समझ आई। मैंने रीजन भी बताया था कि एग्जेम्प्ट होते हुए फिर भी हम इसको क्यों सेट ऑफ करते हैं। चलो जी, बहुत बढ़िया बात। इसके बाद मैंने छुटमुट दो तीन पॉइंट बताए थे, छुटमुट दो तीन पॉइंट बताए थे कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को सैलरी रेमुनरेशन दे रही है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है, और वो पार्टनरशिप फर्म एंगेज है एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, तो उस केस में जो पार्टनर्स की सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माना जाएगा वो एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। ये किसमें डिसाइड हुआ था सर, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में डिसाइड हुआ था, आर एम चिदम्बम ब्रह्मम वाले केस में, ठीक है, ठीक है सर। चलो, वहीं पर अगर कंपनी है, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ओपीसी है, वो अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इंडल्ज है और वो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटती है, तो जो डिविडेंड होगा वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी, वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड IFOS, और जो नॉर्मल टैक्सेबिलिटी के प्रोविजन हैं वो उस पर एप्लीकेबल होंगे। बात समझ आई या नहीं आई सर, आ गई। चलो जी, बहुत बढ़िया। चलो नया चैप्टर शुरू करें, रिवीजन में कोई दिक्कत? नो सर, नया चैप्टर हाउस प्रॉपर्टी, और हमारे पास ऑप्शन है सैलरी का। चलो फटाफट बताओ कौन सा करना चाहोगे, सैलरी या हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी या हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी या हाउस प्रॉपर्टी। सर हाउस प्रॉपर्टी डन, खुला हुआ है। चलो हाउस प्रॉपर्टी कर लेते हैं, सानू की लोड है, सानू कोई चिंता नहीं है जी, हाउस प्रॉपर्टी वाला चैप्टर मेरे सामने खुला हुआ है, आप अपनी बुक निकाल लो, हालांकि मैंने भी अपनी बुक निकाल रखी है। चलो जी, हाउस प्रॉपर्टी फटाफट निकालो, एज सून एज पॉसिबल आ जाओ जी। हाउस प्रॉपर्टी, चलिए साहब, हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर की बात करूं, क्लास रोक दो, पॉज कर दो, इससे पहले जो रिवीजन वीडियो है वो जाकर एक बार जरूर देख लो, जो रिवीजन वीडियो है यूट्यूब पर हाउस प्रॉपर्टी की वो पहले देखो, उसके बाद ही क्लास शुरू करना, प्लीज रिक्वेस्ट टू यू, देख लो। अगर मैं कुछ कह रहा हूं तो तुम्हारे फायदे के लिए कह रहा हूं, रुक जाओ, पॉज कर दो, पहले वो वीडियो देख लो, 1 घंटा 12 मिनट मुश्किल से है, उसको चेक एक बार पहले गो थ्रू करो, उसके बाद यहां पर आना, मजा आएगा, कॉन्सेप्ट अलग ही क्लियर होंगे हाउस प्रॉपर्टी के। चले, चलो सर, चलो आ जाओ। चलो जी, शाबाश, आ जाओ जी। चलिए सर, चलिए जी, हाउस प्रॉपर्टी हमारा नया चैप्टर, हाउस प्रॉपर्टी, शॉर्टकट में बुलाते हैं एचपी, घर का नाम एचपी, राइटिंग बहुत सुंदर आई आज तो है। चलो जी,
हाउस प्रॉपर्टी अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो इसमें सेक्शंस कौन से होते हैं? अब आपके पांच हेड मैंने शुरू कर दिए हैं, हाँ जी, फाइव हेड नाउ वी स्टार्टेड। फाइव हेड कौन कौन से हैं? सर पांच हेड की इनकम होती है। इससे पहले ये बेसिक चैप्टर थे, बेसिक में पढ़ाया मैंने, रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा दिया, स्कोप ऑफ टोटल इनकम पढ़ा दिया, एग्रीकल्चर इनकम पढ़ा दिया। आज हम शुरू कर रहे हैं फाइव हेड। फाइव हेड में सबसे पहला हेड मैं आपको पढ़ा रहा हूं सैलरी। हालांकि इससे पहले एक और हेड आता है कॉल्ड, सॉरी आज पढ़ा रहा हूं हाउस प्रॉपर्टी, इससे पहले हेड आता है सैलरी। सैलरी सेक्शन की बात करो तो सेक्शन आता है 15 से 17, 15 to 17। और अगर हाउस प्रॉपर्टी की बात करो तो इसमें सेक्शन कहां से कहां तक है? सर 22 से लेकर 27, 22 से लेकर 27 तक इसमें सेक्शन आते हैं, 22 to 27। फिर उसके बाद 28 to 44 डीबी पीजीबीपी, 45 to 55 एक कैपिटल गेन, और 56 to 59 अदर सोर्सेज। ये हमारे सेक्शंस चलते हैं पांच हेड के। आज हमने अपना पहला हेड शुरू किया हाउस प्रॉपर्टी, इसके बाद कर लेंगे सैलरी, फिर कैपिटल गेन, फिर पीजीबीपी एंड देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। पांच हेड आपके हो जाएंगे कंप्लीट। फिर टीडीएस, आरओआई, डिडक्शंस और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, बाकी शायद ही कोई चैप्टर बचा होगा, होगा तो क्लबिंग वगैरह कर लेंगे, निपटा देंगे। हाँ जी, चलो जी शुरुआत करते हैं फिर हाउस प्रॉपर्टी की। सेक्शन जो इसमें हम लोग रीड करेंगे 22 to 27 रीड करके चलेंगे, 22 to 27 रीड करके चलेंगे। हाँ जी, 22 to 27 सेक्शन के लिए मैं स्पेशल एक कुछ अलग चलाऊंगा यार ना, फिर वही बात, बच्चे सेक्शन कोड करते नहीं है, अच्छा इंप्रेशन जाता नहीं है। गलत मत कोट करना, नहीं आता तो छोड़ दो, आता है तो जरूर कोट करो, हमेशा इंपैक्ट पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है। अगर आपकी लॉ की फैकल्टी कह रही है इंपैक्ट नहीं पड़ता तो वो गलत कह रही है, फिर इंपैक्ट पड़ता है साहब। आप खुद ही देख लो ना, अगर मैं आपको एग्जामिनर बनाऊं और एक बच्चे ने सारे क्वेश्चन ठीक किए, दूसरे बच्चे ने भी सारे क्वेश्चन ठीक किए हैं, बट एक बच्चे ने सारे सेक्शन कॉट किए हैं और दूसरे बच्चे ने सारे सेक्शन कॉट नहीं किए, तो आप किसको मार्क्स ज्यादा दोगे? चलो जी, टोटल इनकम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, हाँ बिल्कुल, अलग से क्वेश्चन आता है, हाँ बिल्कुल, अलग अलग कॉन्सेप्ट पर भी बनता है और टोटल इनकम का भी पार्ट बनकर आता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या क्या है वो बता देंगे, इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसमें 23, 24, 26 सेक्शन नंबर 23, 24, 26 नंबर सेक्शन इसके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है जी। चलो सबसे पहले बात करते हैं चार्जिंग सेक्शन की। चार्जिंग सेक्शन का क्या मतलब है? सेक्शन 22 की बात करते हैं। चार्जिंग सेक्शन का मतलब है कि पूरा का पूरा अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी लगाना है, हाउस प्रॉपर्टी कहीं पर भी लगाएंगे तो सबसे पहले आप सेक्शन 22 को रेफर करेंगे। क्या सेक्शन 22 की सारी कंडीशंस फुलफिल हुई या नहीं हुई? अगर सेक्शन 22 की कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई तो फिर मैं आगे 23, 24, 25, 26, 27 तक जाऊंगा ही नहीं, मैं 22 के बाद ही रुक जाऊंगा, फिर मैं हेड बदल के देखूंगा, क्या पता कैपिटल गेन लगता हो, क्या पता अदर सोर्सेज लगता हो, पीजीबीपी लगता हो, तो फिर मैं हेड बदल के देखूंगा। तो यू हैव टू फुलफिल ऑल कंडीशंस ऑफ सेक्शन 22 फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ हेड हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपको कोई भी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स करनी है, आप ये कहते हो जी ये इनकम मेरी हाउस प्रॉपर्टी की है, मैं उसको हाउस प्रॉपर्टी हेड में लेकर जाना चाहता हूं, तो यू हैव टू फॉलो कंडीशंस ऑफ सेक्शन 22। अगर यहां पर फेल हो गया तो आप हाउस प्रॉपर्टी में उस इनकम को नहीं लेकर जा सकते। चार हेड रह गए, किसी में भी ले जाओ, हाउस प्रॉपर्टी में मत लेकर आना। सेक्शन 22, सेक्शन 22 में आपको तीन कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। यू हैव टू फुलफिल थ्री कंडीशंस। किस बात के लिए तीन कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी? अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी में कोई इनकम टैक्स करनी है, सबसे पहली कंडीशन जो एसएससी है वो मस्ट बी ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। उस हाउस प्रॉपर्टी का, उस बिल्डिंग का, उस फैक्ट्री बिल्डिंग का, उस कमर्शियल बिल्डिंग का, उस मकान का वो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ओनर होना चाहिए। एक बात मैं क्लियर कर दूं, कभी भी हाउस प्रॉपर्टी नाम से ये कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें सिर्फ हाउसेस आते हैं, नहीं, हाउस प्रॉपर्टी सिर्फ उन्होंने नाम रखा है, इसमें कमर्शियल बिल्डिंग भी आती है, शॉप्स भी आते हैं, गोडाउन्स भी आते हैं,
सी भी तरह की अगर इनकम है किसी बिल्डिंग से, किसी प्रमाइसिस से, तो वो हाउस प्रॉपर्टी में आएगी। पहली बात क्लियर। सिर्फ घर घर अगर आपने रेंट पर दिया है तो ही इस हेड में टैक्स होगा, ये गलत फहमी है। इसमें हर तरह कमर्शियल बिल्डिंग है, मॉल्स हैं, मॉल्स में दुकानें रेंट पर दे रखी हैं, आप हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स करोगे। गोडाउन्स हैं, आपने बड़ी बड़ी कंपनीज को दे रखे हैं रेंट पर, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स करोगे। बात समझ आई चीज? चलो सबसे पहली बात, एसएससी मस्ट बी ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। जो हाउस प्रॉपर्टी है उसकी ओनरशिप आपके पास होनी चाहिए, आप उसके मालिक होने चाहिए। सर ओनरशिप का क्या मतलब है? ओनरशिप का मतलब है कि आपका उस पर स्वामित्व होना चाहिए, मतलब होल्डिंग होनी चाहिए। सर प्रॉपर्टी के पेपर मेरे नाम पर नहीं है, लैंड किसी और के नाम पर है, बिल्डिंग मैंने बनाई है। कई तरह के डाउट हो सकते हैं, एक-एक करके सब डिस्कस कर लेंगे। सर क्या आप एक सेक्शन पढ़ाएंगे, सेक्शन 27, डीम्ड ओनरशिप। डीम्ड ओनरशिप क्या वो ओनर भी, डीम्ड ओनर भी इंक्लूड होगा? हाँ जी, डीम्ड ओनर भी हम इंक्लूड करके चलेंगे। तो एसएससी मस्ट बी ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, पहली कंडीशन। पहली कंडीशन अपने नोट्स निकालो एक बार फटाफट। ओनरशिप के लिए एसएससी, इसमें दूसरी दे रखी, कोई बात नहीं, की फर्क पैंदा है, हमने तो पढ़ना है। एसएससी मस्ट बी ओनर ऑफ द रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी, आप उसके मालिक होने चाहिए। बट मालिक में क्या क्या कंडीशंस है सुनना जी, ध्यान से सुनना जरा। क्या कहता है? रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेल डीड नॉट नेसेसरी, दस इंक्लूड ए बेनिफिशियल ओनर ऑल्सो। बेनिफिशियल ओनर का क्या मतलब है? आपने कोई मशीनरी, सॉरी, कोई हाउस प्रॉपर्टी, कोई बिल्डिंग लीज पर ले रखी है तो भी आप उसके ओनर माने जाओगे। कागज आपके नाम पर, सेल डीड आपके नाम पर होना कोई जरूरी नहीं है। आपने रेंट ले रखी है, आपने लीज पर ले रखी है तो भी आप उसके ओनर माने जाओगे। बट आपने रेंट पर जमीन बिल्डिंग ले रखी और फिर आगे रेंट पर दे रखी, दैट इज कॉल्ड सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, वो रेंटल इनकम नहीं आता। वो मैं डिस्कस करूंगा आपसे, पॉइंट सबर करो। तो कोई जरूरी नहीं है कि जमीन के कागजात आपके नाम पर होने चाहिए, आप बेनिफिशियल ओनर भी हो सकते हैं। टेक फॉर टेकन एग्जाम्पल लीज वाला पॉइंट, ठीक है सर। ओनरशिप इंक्लूड बोथ फ्री होल्ड भी, लीज होल्ड भी। फ्री होल्ड का मतलब क्या है? 100% आपका राइट है, किसी और का कुछ राइट नहीं है। फ्री होल्ड, लीज होल्ड का मतलब क्या है? 99 ईयर्स के बाद, 99, आप अकाउंट में कॉन्सेप्ट पढ़ते होंगे, अमूमन तौर पर 99 साल के बाद उस बिल्डिंग को डेमोलिश किया जाता है, फिर नई बिल्डिंग बनाई जाती है। बिल्डिंग बनने में जो खर्चा आता है वो प्रोपोर्शनेटली हर फ्लोर वाले के हिस्से बांट दिया जाता है। तो ओनरशिप में फ्री होल्ड हो, पूरी तरह आपका होल्ड हो, कोई जरूरी नहीं है। फ्री होल्ड, लीज होल्ड, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो, सब ओनरशिप चलेंगी। ओनरशिप इंक्लूड डीम्ड ओनरशिप, सेक्शन 27, डिस्कस लेटर इन दिस चैप्टर। ओनरशिप ऑफ लैंड ऑन विच बिल्डिंग स्टैंड नॉट नेसेसरी, लैंड मे बी ऑन लीज, लैंड आपकी लीज पर हो तो भी चलेगा, बिल्डिंग आपने बनाई होनी चाहिए इस केस के हिसाब से। हाउस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, टाइटल डिस्प्यूटेड है, मतलब कोई ऐसी हाउस प्रॉपर्टी जिस पर लड़ाई चल रही है, दो पड़ोसियों की लड़ाई है या फिर दो भाइयों की लड़ाई है, किसी भी तरह का डिस्प्यूट है, पता ही नहीं चल पा रहा कि इसका एक्चुअल ओनर कौन है। एक्चुअल ओनर बनाएगा, बताएगा कौन? सर कोर्ट बताएगी। तब तक भाई कोर्ट में केस, इंडियन कानून है, इंडियन कानून है, कोर्ट में तो हो सकता है 10 साल केस चल जाए, 15 साल केस चल जाए। इनकम टैक्स वाले चुप थोड़ी बैठेंगे, इनकम टैक्स वाले कहेंगे साहब देखो तुम्हारा केस चल रहा है, चलता रहने दो, हमें हमारा टैक्स दे दो। आप क्या बोलोगे? मैं ओनर हूं। वो बोलेगा मैं ओनर हूं, टैक्स कौन देगा? टैक्स के नाम पर हो सकता दोनों पीछे हट जाए, लेकिन दोनों दे भी सकते हैं ताकि कोर्ट में ये प्रूव करने में आसानी रहे, साहब देखो मैं इनकम टैक्स भरता हूं, इसका ओनर मैं हूं, सर मैं भरता हूं। नहीं, फिर इस केस में क्या होगा? एओ डिसाइड करेगा, असेसिंग ऑफिसर जो आपका इंचार्ज है इनकम टैक्स में, एओ है, वो डिसाइड करेगा कि मैं किस आदमी से इसका रेंट लूंगा। मोटा मोटी जो रहता है या जिसका उस पर पोजेशन होता है उसी से वो रेंट लिया जाता है। तो अगर डिस्प्यूट चल रहा है तब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता, तब तक इनकम टैक्स जिससे चाहे उससे रेंट ले सकती है। तो ये तो रही ओनरशिप की बात, पहली कंडीशन आपकी उस पर ओनरशिप होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग मस्ट बी अपरेंटेंट देयर टू, मतलब अटैच्ड होनी चाहिए।
ये नहीं है लैंड कहीं पर है, जमीन कहीं, ओ बिल्डिंग कहीं पर, वो दोनों एक साथ होनी चाहिए, एक ऊपर नीचे होनी चाहिए। दैट मीन्स प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और या फिर एंड और लैंड अटैच्ड अपेंडेड टू द बिल्डिंग। लैंड अपेंडेड मीन्स लैंड कनेक्टेड विद द बिल्डिंग, जैसे गार्डन, मैरिज हॉल, गैरेज, पार्किंग वगैरह। मैरिज हॉल विद गार्डन। अब गार्डन हो सकता है, कई बार आप क्या करो, गार्डन गार्डन रेंट पर दे दो, मैरिज हॉल आपका उठे ही ना, मैरिज हॉल उठ गया गार्डन ना उठे। तो अगर कुछ साथ में खाली जमीन भी है तो वो एक साथ होनी चाहिए। आप ये क्लेम नहीं कर सकते 2 किलोमीटर दूर तो मेरा गार्डन है, मैरिज हॉल इधर है, तो दोनों की इनकम ना मैं हाउस प्रॉपर्टी में, ना ना ना, वो साथ में होने चाहिए, तभी दोनों का किराया हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। तो जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो मस्ट बी अपरेंटेड देयर टू होनी चाहिए। या फिर पार्किंग एरिया, मान लो पार्किंग एरिया क्या है कि आपने पार्किंग कवर भी बना रखी है, ओपन पार्किंग भी बना रखी, दोनों पार्किंग है, तो आपकी इनकम कहाँ जाएगी सर, हाउस प्रॉपर्टी में। लेकिन आपकी मान लो फिर से 2 पार्किंग है, एक कवर पार्किंग है जिसमें बिल्डिंग बनी हुई है, एक 5 किलोमीटर दूर खाली प्लॉट पड़ा है, जमीन उसमें कुछ भी नहीं है, खाली प्लॉट है, तो आप कह रहे हो अरे मैं तो ये दोनों हाउस प्रॉपर्टी मानूंगा। नहीं, जो खाली प्लॉट है, खाली लैंड से अगर किराया आता है वो कहाँ टैक्स होता है, वो आपका टैक्स होता है IFOS में, लेटिंग आउट ऑफ द वेकेंट लैंड टैक्सेबल अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि आप पर वहां पर बिल्डिंग नहीं है। तो अगर लैंड एंड बिल्डिंग मस्ट बी अपरेंटेड देयर टू, एक साथ जॉइंटली एक साथ एक जगह पर होनी चाहिए। सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, मैंने कहा था मैं बाद में बताऊंगा, ये आ गया, सब लेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। क्यों IFOS? क्यों सब लेटिंग? मान लो आर ने कोई जमीन, कोई बिल्डिंग रेंट पर दी एस को, एस ने कोई जमीन रेंट दी टी को। अब यहां से जो इसको रेंट जाएगा ये तो आ जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में, लेकिन यहां से यहां जाएगा ये आ जाएगा IFOS में, क्योंकि ये है ओनर। और पहली कंडीशन क्या बोल रही थी, SSC मस्ट बी ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, तब जाके इसका हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन इसका हो जाएगा IFOS में। क्यों? क्योंकि ये ओनर नहीं है, ओनरशिप नहीं है, तो IFOS में टैक्सेबल होगा अगर सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हुआ। तो पर्पस, पर्पस क्या होना चाहिए साहब, पर्पस आपका कुछ भी हो, बस अपने बिजनेस पर्पस के लिए मत यूज करना उस हाउस प्रॉपर्टी को, क्योंकि बिजनेस पर्पस के लिए यूज करोगे तो सेक्शन 30 कभी भी, सेक्शन 30 किसका है सर, 28 to 44 DB PGBP के सेक्शन है, तो सेक्शन 30 कभी भी नोशनल रेंट अलाउ नहीं करता। तो हाउस प्रॉपर्टी में बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस, किसी पर्पस के लिए यूज करो ओनर के द्वारा, अदर देन फॉर हिज बिजनेस, पर बिजनेस और प्रोफेशन, उस जो उसका ओनर है अगर वो अपने ही बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज कर रहा है तो वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। बाकी किसी पर्पस के लिए यूज कर, रेंट पर दे, खाली छोड़, गोडाउन पर चढ़ा, उस पर कुछ भी कर, तू पार्किंग बना उसमें, कुछ भी कर, वो सारा हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगा। बट अगर तू खुद के बिजनेस पर्पस के लिए, प्रोफेशन के लिए यूज कर रहा है तो फिर हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। तो पर्पस, तो 3 बेसिक कंडीशन हैं आपकी किसी भी इनकम को हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स करने के लिए। यू हैव टू चेक 3 बेसिक कंडीशन, 3 क्राइटेरिया आपको चेक करने पड़ेंगे किसी भी इनकम को, हाँ जी, किसी भी इनकम को टैक्स करने के लिए हाउस प्रॉपर्टी में। पहली बात, आप उसके क्या होने चाहिए, ओनर। ओनर के लिए लीगली ओनर होना जरूरी है? नहीं सर, बेनिफिशियल ओनर भी चलेगा, लीज होल्ड, फ्री होल्ड, हर तरह की प्रॉपर्टी चलेगी। दूसरा, आपके पास क्या होना चाहिए, लैंड एंड बिल्डिंग अपेंडेड देयर टू, साथ में कनेक्टेड होने चाहिए। तीसरा, पर्पस क्या होना चाहिए, किसी पर्पस के लिए यूज करो, बस अपने बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज मत करना। बेसिक सेक्शन आपका क्लियर होना जरूरी था, यस और नो? हाँ सर, ये आपने सही कहा सर। चलो ओनरशिप को एक बार यही डिफाइन कर दूं, चलो बाद में बताऊंगा ओनरशिप, ये वाला सेक्शन सोच रहा था सेक्शन 7 को यहीं पर पढ़ा दूं साथ में, डीम्ड ओनरशिप वाला बाद में पढ़ाऊंगा, आज नहीं पढ़ाते, बाद में, बाद में करवाएंगे इसको 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 इसको। गाड़ी चाहिए लंबी, म्यूजिक चाहिए लाउड, जाति जिसमें म्यूजिक हो लाउड। दूसरी बात, कोई भी अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी है, बात समझना ध्यान से,
अगर वो हाउस प्रॉपर्टी आपने किराए पर दे रखी है, रेंट पर दे रखी है, तो वही इनकम आपकी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होगी। अगर वो आपने बेच दी, कैपिटल एसेट थी वो आपकी, वो आपने बेच दी, तो वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं होगी। बिका आपका हाउस प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, बट वो हाउस प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको कहां लेकर जाएंगे? कैपिटल गेन में। बड़ी छोटी सी सिंपल सी बात थी। इनकम फ्रॉम रेंटिंग ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स हो जाएगी। सेल ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन में टैक्स हो जाएगी। टाइप ऑफ हाउसेस, हाँ जी, टाइप ऑफ हाउसेस मैंने आपको बताया था, रेजिडेंशियल हाउस भी इंक्लूड करेंगे, शॉप्स, गोडाउन, सिनेमा बिल्डिंग, वर्किंग वर्कशॉप बिल्डिंग, होटल बिल्डिंग, सारे के सारे कहां पर आएंगे? हाउस प्रॉपर्टी में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ सर, हाँ सर, आ रहा है, आ रहा है सर। चलिए जी, चलिए फटाफट आइए, फटाफट आइए साहब। तो बेसिक बेसिक जो कंडीशंस थी, चार्जिंग सेक्शन था, वो मैंने करवाया आपका कंप्लीट। चले आगे, आगे बढ़ सकते हैं? हाँ सर, बढ़ सकते हैं, आ जाओ भाई। हाँ, ये कॉन्सेप्ट हम करवाएंगे बाद में। आओ जी, फॉर्मेट की बात कर लेते हैं एक बार। फॉर्मेट की बात करना अति आवश्यक है। होटल की अगर इनकम आती है, वो कहां पर टैक्स होगी? होटल की, होटल होटल होटल, अगर आप होटल किराए पर देते हो, क्या मेरी बेसिक कंडीशंस फुलफिल हो रही है चार्जिंग सेक्शन वाली? क्या मेरी वो बेसिक कंडीशन फुलफिल कर पा रहा? आपकी बिल्डिंग है, आपने उसमें होटल बना दिया, आपने वो रेंट पर देना शुरू कर दिया। सर, बिल्डिंग है, ओनरशिप है, लैंड एंड बिल्डिंग अप्रेंटेड देयर टू, सब कुछ ठीक है सर। सीधा सीधा पीजी इसमें हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स हो जाएगा? नहीं, पर्पस वो आपके बिजनेस के लिए यूज नहीं होना चाहिए, दैट्स व्हाई वो कभी भी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स नहीं होता। अगर आपका होटल बिल्डिंग है तो वो कहां पर टैक्स होगा? पीजीबीपी में। खाली लैंड है तो आपकी कहां पर टैक्स होगी? खाली लैंड है तो आपकी कहां पर टैक्स होगी? सर, आईएफओएस में। और अगर आपका बैंकेट हॉल है, तीन ही एग्जाम्पल देने थे मैंने, होटल का, खाली लैंड का, बैंकेट हॉल का। बस ये लगा लिया करो, ये लास्ट वाला पॉइंट ना, ये खतरे का होता है, ये थोड़ा सा खतरे का होता है, ये वाला पर्पज। अब बैंकेट हॉल आप किस पर्पज के लिए दे रहे हो? आपका बिजनेस है साहब, आप बार 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 शादियों का सीजन आता है, बैंकेट हॉल किराए पर देते हो, आपका बिजनेस है। बस एक ही कंडीशन गई थी, आप कुछ भी पर्पज करना, बस अपने बिजनेस के लिए यूज मत करना उस बिल्डिंग को। और आपने बिजनेस के लिए यूज करी तो वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। एक कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं हुई, दो कंडीशन बाला की आपने फुलफिल कर ली, बट एक नहीं हो पाई, तो सीधा सीधा हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। आप उसको और कहीं ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, ठीक है? हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, मैं आपको बता दूं, पता नहीं आपको पता होगा कि नहीं होगा, बट आपको पता होना
चाहिए सर, क्या पता होना चाहिए कि जब भी आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जब भी आप कैलकुलेट करेंगे, उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया हुआ है सर, ये तो हमें पता है, हमने पढ़ रखा है, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है। एक और जानकारी दूं, पूरे इनकम टैक्स में, पूरे के पूरे इनकम टैक्स में सिर्फ दो जगह, अरे क्या कर रहा हूं मैं, ये दो जगह पर फॉर्मेटिंग है, उसके अलावा आप अपने हिसाब से इनकम निकाल सकते हैं सर। मतलब पीजीपीपी में आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे फिगरे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आईएफओएस में फिगरे ऊपर नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी हेड में आप ऊपर नीचे फिगरे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लबिंग में कोई लॉस पहले कोई लॉस बाद में, ये वाला पहले बाद में, वो एक क्राइटेरिया है, उसको आप कैसे भी कर सकते हैं। टीडीएस आप कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, टीसीएस एडजस्ट कर सकते हैं, एडवांस टैक्स कहीं ऊपर नीचे माइनस करवा दो, जहां आपका मन है वहां करवा दो। बट हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन में इन्होंने स्पेसिफिक फॉर्मेट बनाया है, यू हैव टू फॉलो दैट स्पेसिफिक फॉर्मेट। आप अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालना चाहते हैं तो आपको वही फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। आप अगर कैपिटल गेन की इनकम निकालना चाहते हैं तो आपको एक सेम फॉर्मेट अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कंक्लूजन ये है कि पूरे इनकम टैक्स में हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन दो ही ऐसे हेड है जहां पर इनकम टैक्स ने स्पेसिफिकली एक फॉर्मेट बनाकर दिया है आपको, आप उसके अलावा कोई और तरीके से इनकम नहीं निकाल सकते। हाउस प्रॉपर्टी का हम डिस्कस कर रहे हैं, कैपिटल गेन का जब पढ़ाएंगे तब डिस्कस करेंगे। स्टेप्स टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आप क्या क्या स्टेप लेंगे किसी भी, मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लिए। आइए साहब, सबसे पहले आप लेंगे क्या, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, कॉल्ड जीएवी। कैसे निकलेगी मैं डिस्कस कर पाऊंगा, चिंता मत करो। आप सबसे पहले क्या लेंगे, जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। जीएवी के बाद आप उसमें से माइनस करवाएंगे म्यूनिसिपल टैक्सेस। देखिए खर्चे हमेशा माइनस होते हैं, हाँ सर। आप क्या बोलोगे, सरकार आपके गेट पर खड़ी है, बाहर खड़ी है, मोदी साहब बाहर खड़े हैं, वो कह रहे हैं भाई टैक्स ले आओ, निर्मला सीतारमण बाहर खड़ी है, दोनों आपका वेट कर रहे हैं, अमित शाह गाड़ी में खड़ा है, पार्क कर रखे गाड़ी, वो गाड़ी में वेट कर रहा हूं, दोनों आपसे कहा जल्दी जल्दी टैक्स ले आओ भाई, हमें अगले घर से भी लेना है, आप क्या बोलोगे, ये लो टैक्स। वो बोलेंगे अरे तुम्हारे घर का किराया तो 1 लाख रुपए पर मंथ है, तुम हमें 80,000 80,000 रुपीज के हिसाब से क्यों रेंट दे रहे हो, टैक्स दे रहे हो, आप क्या बोलोगे, भैया 20,000 के मेरे खर्चे भी तो लग गए। बोले खर्चे में क्या, बोले म्युनिसिपल टैक्स पे किया था, एक्चुअली पेड, ठीक है। तो खर्चे हमेशा, अगर आपका ग्रॉस रेंट आया है उसमें से खर्चे माइनस करोगे आपका नेट रेंट आ जाएगा। नेट रेंट के बाद भी कुछ आपका ऐसा रह गया, नेट रेंट आया है, इनकम नहीं आई है, नेट रेंट आया है, ग्रॉस रेंट माइनस टैक्स पेड म्युनिसिपल वाले, नेट रेंट आ गया, उसमें से दो और खर्चे माइनस होंगे। दो और खर्चे में कौन सा, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, सरकार बड़ी परेशान हो गई, क्या करते थे लोग, मैं बताऊं प्रैक्टिकली क्या होता था। अपन सारे मार्केट में गए, बाजार में गए, आपने देखा कौन यार दोस्त आपका दुकान खोल के बैठा है, जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में आपके साथ पढ़ा था, आपने देखा अरे रमेश तूने दुकान खोल रखी है हार्डवेयर की, पेंट वगैरह की, हाँ यार एक काम किया कर मेरे को ना, हर साल तू 2 लाख के बिल दे दिया कर, वो भी बिना जीएसटी के बिल लेता था रमेश भी। उसने क्या बोला, ठीक है कोई बात नहीं, बोला ठीक है 1,500 2,000 मैं रुपए तेरे को दे दूंगा, तेरा भी मुनाफा मेरा भी मुनाफा, बोला ठीक है। तुमने वो बिल कलेक्ट करके फाइल में लगा दी। अब हर साल क्या बोलते, अरे मैंने पेंट कराया है, मैंने टाइल बिछवाई है, मैंने ये करवाया है, मैंने नई वॉशिंग वो ली है, सिंक लगवाया है, मैं हर साल खर्चे कर रहा हूं। सरकार बड़ी परेशान, क्योंकि इंडिविजुअल कैपेसिटी है ना यार, कहां तक पकड़ोगे। कॉर्पोरेट हो तो चलो मानते हैं, एक ऑर्गेनाइज वे में काम होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, हाउसेज घरों में अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, बिल इकट्ठे करने हैं। सरकार बोली यार परेशान हो गया हम तो तुम्हारे ये पेंटिंग वेंटिंग टाइलिंग कंस्ट्रक्शन फलाना ढिमकाना हर साल करवाते हो क्या, बोला हर साल करवाते हैं, पाइप हर साल लीक हो जाता है, मैं तो हर साल दीवार को तुड़वाता हूँ फिर उसमें से दोबारा पाइप डलवाता हूँ, हर साल वो होता है रिपेयर मेंटेनेंस। बोले भाई तू एक काम कर, बंद कर, मैं तुम्हें स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड अगर तेरा 100 रुपए की नेट एनुअल वैल्यू है उसमें से 30 रुपए तू चुपचाप माइनस कर लो, दैट मीन्स 30% तेरे खर्चे मान लिए मैंने, हर साल मान लिए मैंने, हर साल मान लिए। तू भाई कुछ मत कर, तू खामे का अपना भी नुकसान कर रहा है,
बिना जीएसटी के बिल खरीदवा रहा है, दुकान वालों अब बिना जीएसटी के भी और प्रचार होते थे, पहले तो वैट वगैरह होता था, ये उस टाइम की बात है, तो वैट वगैरह चलता था, सेल टैक्स चलता था, ये उस टाइम की बात है। बोले भाई यार तुम उनको भी बढ़ावा दे रहे हो, वो दुकानदार भी माल खरीदने में ज्यादा विश्वास कौन सा रखते, विदाउट बिलिंग वाला, तुम भी बिलिंग, तुम उसका बिल कटवा लेते हो, ठीक है। अब सर 30% अलाउ कर दिया, कर दिया। अब बात यह आई, उस घर को बनाने के लिए मोटा मोटी आप देखोगे ना, किसी भी घर पर, किसी भी घर पर दो तीन तरह के खर्चे होते हैं, कौन कौन से, यही एक तो म्युनिसिपल टैक्स चला गया, हाँ सर, एक कंस्ट्रक्शन वगैरह हो गया, रिपेयर मेंटेनेंस होगी, लिपाई पुताई होगी, हाँ सर, उसके अलावा क्या, अगर वो घर आपने लोन पर लेकर बनाया है तो उसका जो ब्याज जाएगा, जो इंटरेस्ट जाएगा, वो भी तो खर्चा है आपके लिए, आप उसको भी तो क्लेम करोगे, हाँ सर, तो वो भी माइनस करवा दिया, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो जो भी बचेगा वो बचेगा आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नीचे जो भी बचा, यहां पर जो भी बचा, यहां पर जो भी बचा आपका कॉल्ड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या बचा, इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पहले क्या आया, ग्रॉस रेंट, उसमें से क्या माइनस करवा दिया, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, एक्चुअली पेड। आ गया क्या, नेट रेंट, नेट रेंट में से खर्चे माइनस करवाए, एक्सटर्नल डिडक्शन 24A, सेक्शन याद करना है, सेक्शन रट लो 24A चुपचाप, और 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल और स्टैंडर्ड डिडक्शन, मांगो या ना मांगो स्टैंडर्ड है, मिलेगी ही मिलेगी अगर आपका एनएवी पॉजिटिव है तो। सर एनएवी नेगेटिव भी आ सकता है, डिस्कस करेंगे, आ सकता है या नहीं आ सकता, सर आ सकता, सर नहीं आ सकता, सर कोई बात नहीं, आगे आने दो टाइम, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अगर आपका एनएवी पॉजिटिव है तो आप स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर पाएंगे, नेगेटिव से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस नहीं होगी, पॉजिटिव फिगर से होगी, 30% मांगो या ना मांगो मिलेगा, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी में ना 50,000 वाली, हाँ सर, वैसे ही यहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30% का एनएवी से, ठीक है सर। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, लोन लेकर घर खरीदा था या घर बनाया था उस पर ब्याज जा रहा है हर साल, मिल जाएगा, अलाउड हो जाएगा, लॉ इंटरेस्ट का यहां पर मिलता है, और जो लोन का प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी डिडक्शन कहां मिलती है सर, 80C में, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट यहां पर क्लेम कर लो, ठीक है सर, बात समझ आई, हाँ सर आ गई। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, आज की क्लास और अगली क्लास का हाफ डे मैं सिर्फ आपको टर्मिनोलॉजी समझाऊंगा, बेसिक समझना जरूरी है, आपको ये टर्म्स पहले भी पता थी लेकिन सिर्फ पता थी, एप्लीकेबल कैसे होंगी, एक्चुअल में उनका मतलब क्या होता है, बेस क्या है, ये अब आपको इन क्लासेस में पता चलेगा। जब आपको बेस पता होगा, एप्लीकेबिलिटी पता होगी, आप अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। एक बात और मैं आपको एक और बता दूं, एक सेकंड के लिए पॉज करूंगा, दोस्त चाहे कितना भी तू पढ़ ले, मैं फिर कह रहा हूं, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, डू योर होमवर्क, इफ यू वॉन्ट टू सक्सीड इन योर लाइफ डू योर होमवर्क, जो भी मैं होमवर्क दू आप उसको जरूर कंप्लीट करो, साथ में आज ही एक काम कर लो, जाकर चुपचाप जो 400 पेज का, 300 पेज का, 200 पेज का जो रजिस्टर आता है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो व्हाइट पेज का, कोई दिक्कत है खरीदने में तो जो ब्लैक पेज का आता है 30-40 रुपए का, वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, किसकी कैसा भी ले लो, क्या करना रे, लिखना ही तो है, सिंपल, कुछ भी किसी भी तरह का हो, सिर्फ आपको लिखना है, लिखना क्या है, इनकम टैक्स के जो भी क्वेश्चन है आपके पास मेरे क्वेश्चन बैंक से, वो आपको हाथ से सॉल्व करने हैं, अपने आप से बिना आंसर देखे, फर्स्ट थिंग, आपको लॉ सब्जेक्ट के डेली एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम लिख लो, इस बात को लिख लो, मैं सिर्फ डायरेक्ट टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जीएसटी की, क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, लॉ का डेली एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बहुत है, बहुत है, डेली एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बस, लेकिन डेली का मतलब डेली, अगर 90 दिन बचे हैं तो एग्जाम तक 90 क्वेश्चंस की हाथ से प्रैक्टिस होनी चाहिए, लॉ सब्जेक्ट की या ऑडिट, वट एवर मे बी, दोनों थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, प्योर थ्योरेटिकल है, आप उनको हाथ से लिखकर जरूर देखो, ये मत करना गलती, बिल्कुल मत करना मेरे दोस्त, कहीं लोग, अरे लिखने की क्या जरूरत है, तो पढ़ने का सब्जेक्ट है, रट्टा मारने का सब्जेक्ट, रट्टा मारने का सब्जेक्ट है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, समझने का सब्जेक्ट है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हूं, बट आपको एग्जाम में सिर्फ सुनाना नहीं है, क्या करना है, आपको लिख कर दिखाना है, तो
वो जो एग्जाम में प्रैक्टिस करनी है वो अपनी घर पहले लिख कर देख लो आपका हाथ चलता भी है कि नहीं। कई बार क्या होता है, बच्चा क्वेश्चन पढ़ता है, सर मुझे ये आता है, जब करने बैठता है ना लिटरली सॉल्व नहीं होता, 10, 20, 30, 40% तक सॉल्व कर पाता, 60%। और जब मैं पूछते हैं कि एक बार दिखाते हैं, सर मैं इसमें कम से कम ना 90% इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, मतलब अगर 10 नंबर का क्वेश्चन मैं इसमें से 9 नंबर ले आऊंगा। सॉल्व करने बैठाते हैं 3 से 4 नंबर, 5 नंबर हद मार के आते हैं। अगर आपको डाउट है तो एक काम करना, जो भी चैप्टर आपने लोगों का पढ़ा हो पिछले हफ्ते में, 1-2 दिन में नहीं, पिछले हफ्ते में, उसमें से कोई एक क्वेश्चन उठाना, पूरा लिख कर देखना। अगर पूरा लिख दो, एक क्वेश्चन और उठाना, 2 या 3 क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करना, आपको खुद पता चल जाएगा कि लिखना कितना जरूरी है। रटने से काम नहीं चलेगा, लिखना भी जरूरी, स्पीड भी होनी चाहिए। स्पीड के साथ साथ जो याद है वो कागज पर उतारना भी आना चाहिए। दिमाग में सबके सब कुछ है भाई। आज अगर मेरे से कहे कोई सीए फाइनल के अटेम्प्ट दे दो, मैं कह दूंगा दे दूंगा, मेरा क्या जा रहा है। लेकिन जब मैं एक्चुअली प्रैक्टिकली जमीन पर उतरूंगा, क्या मैं दे पाऊंगा? नहीं, मेरे को भी फिर टाइम चाहिएगा, फिर 3, 4, 6 महीने प्रैक्टिस करने के लिए, तैयारी करने के लिए। तो दिमाग में तो है, मैं कर दूंगा, ऑब्वियसली कर दोगे, करने में कोई बड़ी बात नहीं है, करते इंसान ही है, ये कौन बन रहा है, बनते तो इंसान ही है, कोई एलियन थोड़ी आए थे, हम ऊपर से टपक गए क्या कि हमारे ये बन गए तुम? ना, थे हम भी इंसान, सिर्फ पढ़े थे, मेहनत की थी, बट जो दिमाग में चीज है उसको प्रैक्टिकली भी उतार। दिमाग में ठीक है, बहुत हुरूप दूंगा, लेकिन दोगे? टाइम तो होना चाहिए, आपके पास कैलकुलेशन होनी चाहिए आगे आने वाले 90 दिन की, वो तो है नहीं। आप बहुत हुरूप देंगे? देंगे जी। नहीं, बोलने में क्या जा रहा है, मैं भी कह रहा हूँ मर्सिडीज खरीद लूंगा। अरे भाई, खरीद कहाँ से लोगे मर्सिडीज? उतना बैंक बैलेंस होना चाहिए, आ भी गया है भी 30, 40, 50 लाख में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेंटेनेंस पूरा वो बनाया, कैलकुलेशन सीट, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कोई बही खाता बनाया उसका, कैसे मेंटेन करोगे? तो तुम इस बात का क्यों नहीं बही खाता बनाते कि एग्जाम में कैसे लिख कर आओगे? पूरा आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि 90 दिन है, इस दिन ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, इतने दिन तक। उस जब लिखोगे तब खुद, अरे मेरा तो रिवीजन में टाइम जा रहा है, मैं प्रैक्टिस लिख के कब कर रहा हूँ? लॉ की तो मैंने प्रैक्टिस नहीं की, ऑडिट की मैंने प्रैक्टिस नहीं की, एमसीक्यू कब करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कब करूंगा, एमटीपी कब करूंगा, ये तो टाइम ही नहीं बचा। अच्छा, वो लास्ट के 15 दिन में, लास्ट में कभी नहीं होते वो चीजें, उसको 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक खत्म कर दो। लास्ट के 15 दिन अप्रैल मंथ के, अप्रैल के 15 दिन कुछ नहीं करना है, वो रिवाइज करना है या प्रैक्टिस कुछ और करना है जो ऑलरेडी पढ़ा है, नया कुछ नहीं, जो ऑलरेडी पढ़ा है। बट आरटीपी एमटीपी कभी भी लास्ट के 15 दिन पर मत लेकर जाओ, 1 तारीख से लेके 15 तक खत्म कर दो, ताकि जिस दिन एग्जाम हो उस दिन एक बार मोटा मोटी पलट के उसको चेक कर लो, कोई गलती थी वो आपने हाईलाइट की होगी। और ये काम किया करो, ये छोटी छोटी क्लिप बना के ना ये यूट्यूब पर मत डाला करो, डाल देते हैं, 3-4 क्लिप्स मैंने देखी क्लासेस की, ये आपकी और हमारी प्राइवेट बातें होती हैं। हाँ सर, सर दूसरों का भी भला हो जाएगा। ठीक है, चले। तो ये फॉर्मेट था स्पेसिफिकली हाउस प्रॉपर्टी के लिए, एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, सारे भरम तोड़ दूंगा। आज तक जितने भी प्रैक्टिकल्स बातें उसने पूछी हैं जब से इंस्टीट्यूट बना है आज तक, कि म्युनिसिपल टैक्स पर लेकर बच्चों को फंसाया है, सारे भरम तोड़ दूंगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो फिक्स है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पर जितनी बातें उसने पूछी है सारी बातें बता दूंगा। जीएवी को लेकर जितने प्रैक्टिकल्स पॉइंट पूछे हैं सारे बता दूंगा रिविजन में ही, अभी हैंड टू हैंड। चलो, सबसे पहले मैं डिसाइड करता हूँ डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, डिटर्मिनेशन ऑफ जीएवी। जीएवी आप कैसे निकालेंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू मतलब आपकी वैल्यू ग्रॉस लेवल पर, पूरे साल की एनुअल वैल्यू, पूरे साल में आपको कितना रेंट रिसीव हुआ। अब आपसे अगर पूछा जाए, अगर आपसे अगर पूछा जाए कि भैया बताना एक बार कितना रेंट रिसीव हुआ, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे यार 10,000 रुपये रेंट रिसीव हुआ। एक्चुअल में कितना आ रहा होगा? 15,000, 20,000। कभी सच बताओगे? क्या बोला था? अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, पकड़ना बेहद मुश्किल है। सरकार ने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम आपसे पूछ ही नहीं रहे, हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, या फिर कहूं मैं फॉर्मेट दे रहे हैं, ऑप्शन नहीं दे रहे, फॉर्मेट दे रहे हैं, चुपचाप इस फॉर्मेट को भरना। अपने से मत बोलना कि अरे मेरी तो रेंटल इनकम सिर्फ इतनी है, लो इस पर टैक्स ले लो।
हम बताएंगे कौन कौन से रेंट आपको इंक्लूड करने। उसके लिए सबसे पहले निकालो जीएवी। आप बोले ये कौन सी ब्लॉक का नाम है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको चाहिए क्या, म्यूनसिपल टैक्स, म्यूनसिपल वैल्यू। उसके लिए आपको क्या चाहिए, म्यूनसिपल वैल्यू। म्यूनसिपल वैल्यू क्या होती है, उसके लिए आपको चाहिए फेयर रेंट। सर ये फेयर रेंट क्या होता है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, स्टैंडर्ड रेंट। सर ये स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, इन तीनों चीजों को प्लस माइनस करके ऊपर नीचे लिख के ही आप क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, अपनी जीएवी। इन तीनों चीजों की मदद से ही मेरी क्या निकलेगी, जीएवी, म्यूनसिपल वैल्यू। सबसे पहले म्यूनसिपल वैल्यू की बात करते हैं। म्यूनसिपल वैल्यू क्या चीज है मेरी, हाँ जी, म्यूनसिपल वैल्यू क्या चीज है। म्यूनसिपल वैल्यू ये है कि जिस भी एरिया में आपकी वो प्रमाइसिस है, वो बिल्डिंग है, उस एरिया में म्यूनसिपलिटी के हिसाब से क्या रेंट चल रहा है उस प्रॉपर्टी का, उस एरिया के हिसाब से। म्यूनसिपलिटी है उनको पता रहता है, एमसीडी वाले। म्यूनसिपल वैल्यू ले ली। फेयर रेंट क्या है, फेयर रेंट क्या है मेरा, हाँ जी कहाँ गया, फेयर रेंट क्या है, म्यूनसिपल वैल्यू। सबसे पहली बात, रेंटल वैल्यू डिटरमाइंड बाय म्यूनसिपैलिटी फॉर द पर्पज ऑफ चार्जिंग म्यूनसिपल टैक्स, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। बात समझ में आई कि म्यूनसिपैलिटी के हिसाब से उस एरिया में क्या वैल्यू है उस प्रॉपर्टी की, उनको क्या चार्ज करना है, म्यूनसिपल टैक्स, हाउस टैक्स। वो तो बताएंगे ना, म्यूनसिपल टैक्स 2% ऑफ दिस वैल्यू, वो वैल्यू देखनी है हमें, वो बुलाते हैं म्यूनसिपल वैल्यू। हर एरिया की म्यूनसिपलिटी को पता रहेगा। अब सेंटर में बैठे निर्मला सीतारमण के लिए ये पता करना कि दिल्ली में लक्ष्मीनगर के यू ब्लॉक में क्या वैल्यू है, बड़ा टफ है। लेकिन लक्ष्मीनगर की म्यूनसिपलिटी में पता करना कि यू ब्लॉक में क्या वैल्यू चल रही है, आसान है। उसने कहा हम तेरे से नहीं पूछ रहे। कौन पूछ रहा है तेरे से, तू आगे चिल्ला रहा, अरे मेरा इतना रेंट है, अरे सुन लो मेरा इतना रेंट है। कौन पूछ रहा है भाई तेरे से, हम तेरे से पूछ ही नहीं रहे तेरा कितना रेंट है। म्यूनसिपल वैल्यू लिखता है पहले, ठीक है, फेयर रेंट लिख। फेयर रेंट मतलब उस ही एरिया में सिमिलर टाइप ऑफ बिल्डिंग का क्या रेंट होगा, उसी तरह की दिखने वाली सेम शक्ल की, होता है ना दो जुड़वा बहने, वो भी स्पैनिश, तो और बढ़िया। तो आपको पता है कि इस बिल्डिंग का ये वैल्यू है, तो इससे सिमिलर मिलती जुलती इस बिल्डिंग की ये वैल्यू होगी। फॉर टेकन एग्जाम्पल, आप रेंट के लिए कोई मकान देख रहे थे कहीं पर, आपने देखा कि इस एरिया में, आपने जाकर पूछा अरे भैया रेंट क्या है, उसने बताया कि 3 BHK का 18,000 per month। आपको लगा ज्यादा, आपने कहा यार इस एरिया के हिसाब से इतना तो नहीं। आप क्या बोलोगे, लुक लाइक सिमिलर, लिफ्ट वगैरह है, पार्किंग वगैरह, जो जो फैसिलिटी उसमें थी। आपने किसी दूसरी बिल्डिंग में जाकर पूछा क्या रेंट होगा भैया, उसने बोला 15,000, काफी डिफरेंस है। दैट इज कॉल्ड फेयर रेंट। फेयर रेंट का मतलब रेंट ऑफ द सिमिलर टाइप ऑफ बिल्डिंग इन द सेम लोकेलिटी, फेयर रेंट। ये फेयर वैल्यू है, फेयर मतलब एक्चुअल में इसकी इतनी वैल्यू है, इस चीज की इतनी वर्थ है। उसके बाद आया स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट का मतलब क्या है, एक रेंट कंट्रोल एक्ट होता है, कानून, रेंट का भी कानून होता है। हाँ, उसके हिसाब से हर एरिया का रेंट डिसाइड किया जाता है। आप उससे ज्यादा रेंट नहीं ले सकते। जैसे उस आदमी ने बोल दिया 18,000, ये जो एग्जांपल दिया था। अब मान लो स्टैंडर्ड रेंट था उस एरिया का। स्टैंडर्ड रेंट मतलब सरकार के द्वारा एक स्टैंडर्ड रेंट एक्ट है, उसके हिसाब से रेंट कंट्रोल किया जाता है। ये नहीं कि कोई मुंह उठाया जितना रेंट मांग रहा है। अब बेंगलोर में जाकर पूछो उसको, अगर आपको रेंट पर वो लेना है रहने के लिए, कितना कितना रेंट है भाई। तो हर चीज को कंट्रोल में रखने के लिए, ताकि मुंह मांगी चीज, क्योंकि घर एक नेसेसिटी की चीज है, हर किसी का राइट है घर में रहना और अच्छे घर में रहना। तो सरकार कहती है यार मनमानी मर्जी नहीं चलने देंगे, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो वो कहते हैं यार कंपटीशन करो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अननेसेसरी आप इतना प्राइस चार्ज, मतलब सीसीआई नहीं कहती, सरकार कहती जो रेंट कंट्रोल एक्ट वाले, वो कहते हैं हम रेंट डिसाइड कर देते, मैक्सिमम पॉसिबल रेंट आप इतना रिकवर कर सकते हैं, हाईएस्ट पॉसिबल रेंट रिकवर्ड
बाय ओनर फ्रॉम टेनेंट एज पर रेंट कंट्रोल। बात समझ आई? हाँ सर। शिवम बात समझ आई कि नहीं है? हाँ सर समझ आई। तो तीन तरह की रेंट को ऊपर नीचे कंपेयर करना है, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट और म्युनिसिपल वैल्यूएशन। इन्हीं तीन को कंपेयर करके आपकी क्या आ जाएगी? इन्हीं तीन को कंपेयर करके आपकी आ जाएगी जीएवी, ग्रॉस एनुअल। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। तो सबसे पहले आप जो कंपेयर करेंगे वो म्युनिसिपल रेंट, म्युनिसिपल रेंट और फेयर रेंट को कंपेयर करेंगे। किसको सर? म्युनिसिपल रेंट और फेयर रेंट को, म्युनिसिपल रेंट और फेयर रेंट को आप कंपेयर करेंगे, म्युनिसिपल रेंट और फेयर रेंट को कंपेयर करेंगे। जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो उन दोनों में से हायर देखो कौन आ रहा है, हायर देखो कौन आ रहा है। कंपेयर कंपेयर म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, विच एवर इज हायर, उसको कहा जो भी आपके एरिया की म्युनिसिपैलिटी है वहां जाओ, वहां के एरिया का रेंट देखो म्युनिसिपल के हिसाब से क्या आता है, और जो फेयर रेंट है मतलब लुक लाइक सिमिलर बिल्डिंग है उन दोनों का रेंट कंपेयर करो, दोनों में से जो भी ज्यादा हो वो ले लो चुपचाप। क्या ले लो? दोनों में से जो भी ज्यादा हो, जो भी ज्यादा आया वो फिगर आपने रख ली, जो भी फिगर आई वो रखी आपने, उस हायर फिगर को अब आप कंपेयर किससे करवाएंगे? स्टैंडर्ड रेंट से। उसको कंपेयर किससे करवाएंगे? स्टैंडर्ड रेंट से, जो रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से है। उनका ले लो लोअर, पहले क्या लिया हायर, फिर क्या लिया लोअर, तीसरी बार फिर हायर ले लो। फिर हायर किस चीज का लेंगे? अब जो भी फिगर निकल गई उसको क्या बोलेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट, लुक लाइक सिमिलर, ये एक्सपेक्टेड रेंट है, आपके एरिया का एक्सपेक्टेड रेंट है। बात समझना, फोकस भूल जाओ क्या पढ़ा है। म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट दोनों में से क्या लोगे? हायर, ताकि म्युनिसिपैलिटी जो रेंट बता रही है और जो उस एरिया की सिमिलर बिल्डिंग का रेंट है उन दोनों में, हो सकता है आप सिमिलर बिल्डिंग का रेंट झूठ बोल दो तो म्युनिसिपैलिटी जो बोलेगी वो सच होगा, तो उन दोनों का हायर, हायर। तब भी सरकार के पास ही बात चली गई, सरकार जो चाहती थी वही हुआ, सरकार आपसे कहती ज्यादा रेंट दिखाओ, सरकार आपसे ज्यादा टैक्स लेगी, आपने बोल दिया इतना है। अब उसको कंपेयर कराओ स्टैंडर्ड रेंट के हिसाब से, हो सकता है म्युनिसिपैलिटी ने बहुत ज्यादा बोल दिया हो, आपने फेयर रेंट बहुत ज्यादा बोल दिया हो, तो उसने कहा स्टैंडर्ड रेंट, रेंट कंट्रोल एक्ट जो कंट्रोल कर रहा है उस एरिया के रेंट को, उसको और अच्छी तरह पता होगा और प्योरीफाई कर देगा चीज को, उन दोनों में से लोअर ले लो, पहले हायर फिर लोअर ले लिया, आ गया। जो भी फिगर आई वो है आपकी एक्सपेक्टेड रेंट, हम मान रहे हैं कि आपका ये रेंट होगा, सरकार को और कुछ नहीं चाहिए आपसे, खत्म, कहानी खत्म हो गई वहां से। अब ये आया एक्सपेक्टेड रेंट किसी तीसरे कंडीशन के बेस पर, तीसरी कौन सी थी? फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट। अब ये जो एक्सपेक्टेड रेंट है, अब बोलो तुम्हारे कितना आया? अब तुम जो पहले चिल्ला रहे थे सर मेरा इतना आया, इतना आया, इतना रेंट आया, अब तुम बोलो कितना आया। जो भी तुम कहोगे और जो निकल कर आया है मार्केट से, मैं दोनों को रखूंगा, दोनों में जो भी ज्यादा होगा मैं वही ले लूंगा, कॉल्ड जीएवी, हायर। रटने वाले बच्चे ध्यान दें, पहले ऊपर फिर नीचे और फिर ऊपर, शुरुआत कहां से करनी है? ऊपर से, एक बार डिप मारोगे फिर दोबारा ऊपर जाओगे। रटने वाले बच्चों के लिए, जिसने समझना था वो मैंने समझा दिया। क्या आ गई आपकी? जीएवी। हाँ जी दोबारा से, आपको मार्केट में जाना है, मार्केट में देखना है वहां के एरिया की म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल। हाँ भाई सबसे पहले तू बता, म्युनिसिपैलिटी एमसीडी वाले, हाँ भाई कितना एरिया, कितना रेंट है इस एरिया में बिल्डिंग का? 3 BHK सर इतना रेंट है, ठीक है, लुक लाइक सिमिलर बिल्डिंग का रेंट देख लिया, दोनों को कंपेयर किया, हो सकता कोई झूठ बोल रहा, दोनों में हायर ले लिया, लेकिन रेंट कंट्रोल एक्ट कानून है, अपने आप में कानून, वो झूठ नहीं बोलेगा, जो भी हायर फिगर आई थी उसको रेंट कंट्रोल एक्ट से कंपेयर करवा दो, दोनों में से लोअर ले लो, लोअर ले लिया, आ गया
सरकार का रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट है भैया ये इस एरिया का रेंट है 3 BHK। अब तुम बोलो, तुम्हें मौका दिया मैंने, जो भी रेंट रिसीव होगा और एक्सपेक्टेड रेंट निकल कर आया दोनों में से ज्यादा होगा उसको क्या मान लेंगे, GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। समझ में आया? हाँ सर। अनरियलाइज रेंट, जो आपको रेंट मिला नहीं, वेकेंट रेंट, आपकी प्रॉपर्टी खाली थी। अनरियलाइज रेंट का मतलब किराएदार था, किराएदार ने गुंडागर्दी से या फिर ये बोल के भाई मैं तो गरीब हूं मेरे से नहीं दे रहे किराया दिया जा रहा, उसने रेंट दिया ही नहीं। वेकेंट रेंट, किराए पर ही प्रॉपर्टी नहीं चढ़ी। अनरियलाइज रेंट, हाँ जी, हाउस हाउस वॉज लेट आउट बट रेंट कुड नॉट बी रिकवर। हाउस क्या था, लेट आउट था, किराए पर चढ़ा हुआ था, बट रेंट कुड नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम टेनेंट। टेनेंट की गुंडागर्दी थी या टेनेंट की गरीबी थी, जो भी कारण था आप रेंट नहीं रिकवर कर पाए, दैट इज कॉल्ड अनरियलाइज रेंट। वैकेंसी लॉस, वैकेंसी लॉस का मतलब खाली होगी जमीन, वैकेंट है। लॉस ऑफ रेंट, हाउ लॉस ऑफ रेंट बिकॉज हाउस प्रॉपर्टी रिमेन्ड वैकेंट ड्यूरिंग पीरियड, उस पीरियड में वो प्रॉपर्टी किराए पर चढ़ी ही नहीं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो? हाँ जी, समझ आया कि नहीं आया? सर आ गया सर, कुछ गुस्सा बुद्धि में प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, डोंट वरी, अगली क्लास में प्रैक्टिस ही करनी है। पहले बेस तो बनाऊं, जो क्लियर चीज है पहले बेस तो बनाऊं, बेस तो होना चाहिए, उसके बाद ही तो आगे चलेंगे। पूरा का पूरा जो फॉर्मेट था आपका, सबसे पहला पॉइंट था ग्रॉस एनुअल वैल्यू, कॉल्ड GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, GAV कंप्यूटेड एज पर सेक्शन 23, GAV। उससे आगे क्या है सर, म्युनिसिपल टैक्स। अब आएगा मजा। अब तक जो आपने पढ़ा था उसको कंपेयर करना जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि सारे के सारे प्रैक्टिकल्स पॉइंट बताऊंगा कि यहां था, यहां था, यहां नहीं था। सर उससे पहले एक बार छोटे मोटे एग्जाम्पल्स ले लो ना, चलो एग्जाम्पल्स लेते हैं। GAV एक बार निकालना सिखाते हैं कि एक्चुअल में GAV निकलेगा कैसे, प्रैक्टिस तो करवानी है, सिर्फ थ्योरी पढ़ाने से फायदा थोड़ी होगा, प्रोविजंस तो आप भी पढ़ लोगे। एग्जाम्पल्स देखो, अगली क्लास में पूरा जो क्वेश्चन बैंक है उससे प्रैक्टिस करेंगे, याद रखना। अब सिर्फ जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है ताकि वो क्लियर हो जाए, थ्योरेटिकल पढ़ा दिया, कॉन्सेप्चुअली समझा दिया, अब प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करते हैं। हाँ जी मिस्टर JK प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स। आपका जो म्युनिसिपल रेंट है, जो आपका फेयर रेंट है, जो आपका स्टैंडर्ड रेंट है, म्युनिसिपल रेंट है मान लो 70,000 पर मंथ ले रहा हूं अभी, फेयर रेंट है आपका 65,000 पर मंथ, स्टैंडर्ड रेंट है आपका 40,000 पर मंथ। कैलकुलेट GAV, क्या मैं GAV निकाल सकता हूं? सर उसके लिए हमें एक चीज और चाहिए कि रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड 48,000 पर मंथ। निकालो निकालो, म्युनिसिपल रेंट, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, रेंट रिसीव्ड। बुक मत खोलना, जो भी पढ़ा है, जो भी याद हो, जो भी दिमाग में गया हो उसी के हिसाब से निकाल दो। हायर लोअर क्या था पता ही नहीं सर, कुछ भी था पता ही नहीं, बस चुपचाप इसी पेज को देखो और आंसर निकालो। दिमाग लगेगा तभी क्वेश्चन बनेगा, बिना दिमाग लगाए क्वेश्चन नहीं बनेगा। दिमाग को तंग करो थोड़ा, आलस में, आलस छोड़ो, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है।
2 मिनट लो फटाफट। कैलकुलेट GAV। हाँ जी निकला। चलो आंसर देखते हैं। सबसे पहली बात, मैं जाऊंगा किसी भी एरिया में, वहां की म्यूनसिपैलिटी वालों से बात करूंगा, भैया ब्रेंट बताना एक बार इधर के एरिया का क्या है। आप वो बोलेगा 70,000 है सर पर मंथ। वहां के लुक लाइक सिमिलर बिल्डिंग का रेंट चेक करूंगा, फेयर रेंट, फेयर रेंट बोलूंगा, भैया एक बार बताना कितना रेंट है। वो बोलेगा 65,000 पर मंथ। हो सकता कोई दोनों में झूठ बोल रहा हो, दोनों का हायर ले लेंगे, या म्यूनसिपैलिटी। हाँ सर ठीक है। क्या आया? 70,000। जो भी फिगर आए 70,000, उस फिगर को किससे कंपेयर कराऊंगा? स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट कितना है बोलो? सर 40,000 पर मंथ। 40,000 पर मंथ। दोनों को कंपेयर करवाओ, दोनों में विच एवर इज लोअर, क्या निकल के आया? सर ER, एक्सपेक्टेड रेंट, उस एरिया का एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? सर 40,000। अब तुम चिल्लाओ भाई, कितना चिल्ला रहे थे? अब हम मैं चिल्ला रहा था रिसीव रेंट, रिसीव्ड रेंट 48,000 पर मंथ, रिसीव्ड रेंट कितना? सर 48,000, 48,000 पर मंथ। अब क्या लूंगा सर? हायर। तो GAV क्या निकल के आई मेरी? सर 48,000। दोबारा देखो, म्यूनसिपल रेंट कितना है सर? उस एरिया की म्यूनसिपलिटी का वैल्यू। सबसे पहले सर म्यूनसिपल रेंट है मेरा 70,000 GAV के लिए। इधर देखो फटाफट, बुक निकाल लो अपनी फटाफट, जो भी बुक है आपके पास निकालो। कंपेयर म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, विच एवर इज हायर। मैं फेयर रेंट और म्यूनसिपल रेंट दोनों को कंपेयर करूंगा। क्या मैंने किया सर? मैंने किया म्यूनसिपल रेंट और फेयर रेंट दोनों को कंपेयर किया, दोनों में से हायर मैंने लिया, हायर मैंने लिया। आ गया कितना सर? 70,000 आ गया, 70,000 पर मंथ। जो भी सच हायर फिगर और स्टैंडर्ड रेंट, विच एवर इज लोअर। स्टैंडर्ड रेंट कितना है सर? 40,000। विच एवर इज लोअर, लोअर ले लिया मैंने। दोनों में से लोअर कौन है सर? 40,000। 40,000 क्या निकल के आया मेरा सर? एक्सपेक्टेड रेंट। आंसर विल बी एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, रिसीवेबल, अनरियलाइज्ड रेंट, हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और ARR, विच एवर इज हायर। मैंने क्या लिया? हायर। दोनों में से हायर 40,000 या 48,000? सर 48,000। GAV विल बी 48,000। आंसर क्या आएगा? ये आएगा 48,000। अनरियलाइज्ड रेंट हमेशा माइनस कर देना, वो हमेशा माइनस करके। अनरियलाइज्ड रेंट मतलब रिकवर नहीं कर पाए, ये लिखा हुआ है अनरियलाइज्ड रेंट की डेफिनेशन। रेंट रिसीव्ड या फिर रिसीवेबल आएगा, एक्रू हो चुका है, आया नहीं है, आएगा, वो भी आप लेकर चलेंगे। यस और नो? यस सर। चलो एक और निकालो, एक और क्वेश्चन लो। म्यूनसिपल रेंट है आपका 12 लाख रुपए, फेयर रेंट है आपका 9 लाख रुपए, स्टैंडर्ड रेंट है आपका, स्टैंडर्ड रेंट कितना बना दें, 14 लाख रुपीज, और रेंट रिसीव्ड है आपको या फिर एक्चुअल रेंट, जो एक्चुअल रेंट है वहां का वो है आपका कितना? 18 लाख रुपए। अनरियलाइज रेंट, अनरियलाइज रेंट है आपका 2 लाख रुपए। आंसर निकालो GAV।
व्हाट विल बी जी ए बी, व्हाट विल बी जी ए बी, जी ए बी क्या आएगी निकालो जी फटाफट। चलो कई बच्चों ने निकाल ली होगी, चलो एक मिनट और लो, आधी मिनट लो, चलो एक नहीं एक आधी मिनट और लो, फटाफट निकालो। चलिए व्हाट विल बी योर जी ए बी, जी ए बी की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले म्युनिसिपल रेंट और फेयर रेंट विच एवर इज सर हायर, हायर कितना है सर 12 लाख रुपए, 12 लाख। इसको कंपेयर कराओ स्टैंडर्ड रेंट से विच एवर इज लोअर, क्या आया सर 12 लाख रुपए। सबसे पहले इसको इसको कंपेयर कराया, हायर उठाया 12 लाख आया, इस 12 लाख को कंपेयर कराया 14 लाख से, 14 लाख से दोनों में लोअर कौन है 12 लाख, क्या आ गया मेरा एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट कितना है मेरा 12 लाख रुपए। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना है सर 18 लाख है, उसमें से 2 लाख है मेरा अनरियलाइज्ड रेंट कॉल्ड 16 लाख, दोनों में से फिर क्या लूंगा हायर, तो जीएबी आ गई मेरी 16 लाख रुपए। जीएबी ठीक निकलनी चाहिए, अदरवाइज ये गलत तो फिर पूरा गलत आंसर, गलत आपका आंसर टोटली गलत हो जाएगा अगर पहली फिगर गलत निकली तो। अनरियलाइज रेंट को हमेशा माइनस करवा के चलना, अनरियलाइज रेंट को हमेशा माइनस करवा कर चलना। अगला पॉइंट क्या है मेरा सर, अगला पॉइंट है म्युनिसिपल टैक्सेस एक्चुअली पेड, म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड बाय द ओनर। जीएवी कंप्लीट, म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड बाय द, छोटी छोटी बातें लेकिन प्रैक्टिकली बातें जो एग्जाम में उन्होंने घुमा फिराकर आप लोगों से आज तक पूछी है। चलिए म्युनिसिपल टैक्स, एक्चुअली पेड बाय ओनर, यहां पे ओनर लिखा है नहीं, हाँ लिखा है ओनर, म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड बाय ओनर। दो शब्द इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दो शब्द एक्चुअली पेड होना चाहिए और ओनर ने पे किया हुआ होना चाहिए, पेड होना चाहिए और ओनर ने पे किया होना चाहिए। दैट मींस कभी भी एरियर है म्युनिसिपल टैक्स का, आपने पे नहीं किया है, वो अलाउड नहीं होता ड्यू बेसिस पर, कभी भी म्युनिसिपल टैक्स अलाउड नहीं होगा अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, उसका एक्चुअल में पेमेंट होनी चाहिए। सर पेमेंट पीछे का हो आगे का हो कभी का चलेगा, जो सीएमए वाले बच्चे हैं उनके लिए आगे का पेमेंट नहीं चलता, एडवांस पेमेंट नहीं चलता है, एडवांस म्युनिसिपल टैक्स नॉट अलाउड। सर मतलब जैसे अभी एक कोविड आया था ना 2020 में, हाँ सर, उस टाइम पे क्या हुआ था कि सरकार ने छूट निकाली कि आप अपना म्युनिसिपल टैक्स पे करो, लेट्स से अगर हर घर का म्युनिसिपल टैक्स 1000 रुपए था पर ईयर का, तो उन्होंने कहा हम आपसे सिर्फ 500 रुपए लेंगे,
तो लोगों ने क्या किया, अगले 10 साल तक का एक साथ म्युनिसिपल टैक्स पे कर दिया। उनको पता था कि ये स्कीम अभी है, कोरोना जैसे ही ठीक होगा ये स्कीम विड्रॉ कर ली जाएगी। हुआ भी वैसे ही। उस टाइम पे जितना भी लोगों ने म्युनिसिपल टैक्स एडवांस में पे किया, हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन मिलेगी ही मिलेगी, चाहे एडवांस हो। डिस्काउंट भी ले लिया वहां से, सरकार से अलाउ हो जाएगा। पिछले कई सालों से आप यूएस में थे, यूके में थे, आउट ऑफ इंडिया थे, एग्जाम्पल, पिछले कई सालों से आपने म्युनिसिपल टैक्स भरा ही नहीं था, जो रेंट आया सीधा उस पर टैक्स पे कर दिया, रेंटल इनकम आई। अब आप वापस इंडिया आ गए, अब आपने वो कई सालों का एक साथ पे किया, पिछले वाला एक्चुअली पेड, अब इस साल पे किया है, जिस साल पे करोगे उस साल मिल जाएगा। दैट मीन्स फॉर सीए इंटर स्टूडेंट, आगे का हो, पीछे का हो, करंट का हो, कभी का हो, एक्चुअली पेड होना चाहिए, कैश में बैंक से ट्रांसफर होना चाहिए। म्युनिसिपल टैक्स जैसे म्युनिसिपलिटी एक्सेप्ट करती बैंक से, बैंक में ट्रांसफर होना चाहिए, रोकड़ा जाना चाहिए, बस एक्चुअली पेड होना चाहिए। ड्यू बेसिस पर अलाउड नहीं होगा, एडवांस हो, बैक हो, कोई भी हो, लेकिन सीएमए इंटर वालों के लिए एडवांस वाला अलाउड नहीं होता। ठीक है सर। ओनर ने पे किया होना चाहिए तभी मिलेगा ओनर को, टेनेंट ने पे किया होगा नहीं मिलेगा ओनर। कई बार क्या होता है कि आप रेंट एग्रीमेंट में ये बात लिखवा देते हैं कि सारे खर्चे टेनेंट के हैं, अब टेनेंट म्युनिसिपल टैक्स पे कर देता है, कोई बात नहीं, 1500 आया था पे कर दिया, लेकिन फिर ओनर उसकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते टाइम कभी भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएगा। बात समझ आई? दोनों बात लिख लो बेशक, या मत लिखो, बाद में लिख लेना, हाईलाइट जरूर कर लो। फर्स्ट पॉइंट, म्युनिसिपल टैक्स को किस किस नाम से जानते हैं? हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, लिखो अदर नेम। आपको एग्जाम में किस किस नाम से ये दे सकता है? लोकल टैक्स, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, इन नाम से ये आपका एग्जाम में आ सकता है। ठीक है सर। चलो दूसरी बात, जब भी एग्जाम में अगर ये परसेंटेज में दे म्युनिसिपल टैक्स अगर आपको ये परसेंटेज में दिया जाए, देन ये आप जो परसेंटेज लेंगे एग्जाम में ये म्युनिसिपल वैल्यू की लेंगे, ना कि नॉट फॉर जीएबी। बच्चा क्या करता है वो पता है क्या बोलेगा आपको? वो बोलेगा म्युनिसिपल टैक्स 5%, चुप हो जाएगा। बच्चा क्या करेगा जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होगा ना, बाद में उतार लेना उसको, जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होगा जीएबी आई आपकी 240,000, इसका सीधा 5% कर देगा, सीधा इसका 5% कर देगा, 12,000 जो भी आया, इसका कितना आया 240 का 5%, हाँ 12,000 ही, ठीक है 12,000 सीधा कर देगा, जबकि ये गलत होगा। ये जो 5% होगा ये म्युनिसिपल वैल्यू का होगा, ना कि जीएवी का, याद रखना इस बात को। म्युनिसिपल टैक्स अगर परसेंटेज में दिया है देन परसेंटेज ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, ना कि नॉट फॉर जीएवी। सीधा ऊपर वाले का परसेंटेज मत कर देना गलती से भी, जब भी परसेंटेज दिया हो म्युनिसिपल टैक्स वो म्युनिसिपल वैल्यू का लेना, ना कि जीएबी का। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर। डिडक्शन अलाउड ऑन
एक्चुअली पेड ऑफ म्युनिसिपल टैक्स दैट इज नॉट फॉर एक्रुअल बेसिस डिडक्शन अलाउड ऑन एक्चुअली पेड ऑफ म्युनिसिपल टैक्स दैट इज नॉट अलाउड फॉर एक्रुअल बेसिस जितना पे करोगे उतना डिडक्शन मिलेगा उतना डिडक्शन मिलेगा ठीक है सर। म्युनिसिपल टैक्स इंक्लूड लिखो म्युनिसिपल टैक्स इंक्लूड वाटर टैक्स सीवरेज टैक्स म्युनिसिपल टैक्स में ये टैक्सेस हमेशा इंक्लूड होते हैं। म्युनिसिपल टैक्स जब भी मिलेगा इंडिया में पे करो तो भी मिलेगा आउट ऑफ इंडिया पे करो तो भी मिलेगा। वो प्रैक्टिकली बोलता है आपको म्युनिसिपल टैक्स हैज बीन पेड इन यूके म्युनिसिपल टैक्स हैज बीन पेड इन दुबई हाउस प्रॉपर्टी इन दुबई क्या वो अलाउड होगा लिखो प्रैक्टिकली बोल देगा वाटर टैक्स इतना पे किया आप कंफ्यूज एग्जाम में सर ने तो बताया ही नहीं था सर ने तो बोला था म्युनिसिपल टैक्स ये वाटर टैक्स सीवरेज टैक्स क्या है दे तो चुपचाप माइनस कर देना वो इसमें इंक्लूड होते हैं म्युनिसिपल टैक्स में अलग से दे तो मत लेना इंक्लूड होंगे ये अजम्पशन ले लेना कि वी आर अज्यूमिंग कि वाटर टैक्स इसमें इंक्लूड है हालांकि वो ऐसे नहीं देगा म्युनिसिपल टैक्स अलग सीवरेज टैक्स अलग ऐसे नहीं देगा वो वाटर टैक्स का भी नाम दे सकता है सीवरेज टैक्स का भी नाम दे सकता है म्युनिसिपल टैक्स का भी नाम दे सकता है हाउस टैक्स का भी नाम दे सकता है प्रॉपर्टी टैक्स का भी नाम दे सकता है लोकल टैक्स का भी नाम दे सकता है कॉर्पोरेशन टैक्स का भी नाम दे सकता है पेड इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया सारा अलाउड है म्युनिसिपल टैक्स पेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया बोथ आर अलाउड बोथ आर अलाउड दोनों के दोनों अलाउड हो जाएंगे ऐसा क्यों क्योंकि जो इनकम टैक्स है उसमें ये बात लिखी है म्युनिसिपल टैक्स हैज बीन एक्चुअली पेड बाय द ओनर उसने ये लिखा ही नहीं म्युनिसिपल टैक्स हैज बीन एक्चुअली पेड बाय द ओनर इन इंडिया लोकेशन मेंशन नहीं है लूप होल है ठीक है सर ओके सर अगर म्युनिसिपल टैक्स की कोई अमाउंट दे रखी हो तो मान लो यहां पे म्युनिसिपल टैक्स परसेंटेज में दे रखा कोई अमाउंट दियो तो अमाउंट अगर कोई अमाउंट दिए तो फिर तो अमाउंट लेंगे फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं अगला पिछला सारा अलाउड होगा म्युनिसिपल टैक्स इंक्लूड एक्चुअल बेसिस सारा म्युनिसिपल टैक्स अलाउड होगा जो साउथ इंडियन स्टूडेंट्स हैं साउथ इंडिया से हैं वो आप अपनी लोकल लैंग्वेज में लिख सकते हैं सारा म्युनिसिपल टैक्स अलाउड होगा आगे का पीछे का सारा सब अलाउड होगा आगे का पीछे का सारा अलाउड होगा थोड़ा सा पॉइंट और लिख लो हालांकि मैंने बता दिया ओनर पे करेगा तो ही अलाउड होगा लेट्स से म्युनिसिपल टैक्स
एक सेकेंड, म्युनिसिपल टैक्स पेड 75,000, जिसमें से 50,000 ओनर ने पे किया, 25,000 टेनेंट ने पे किया, तो अलाउड ओनली 50,000, केवल जो ओनर पे करेगा वही अलाउड होगा, टेनेंट का अलाउड नहीं होगा। यस और नो, बात समझ आई? हाँ सर। सर एक बार बुक के दर्शन करवा दो। ये लो भैया बुक के दर्शन, किसी को उतारना है ये उतार लो, वीडियो पॉज कर लो, ये उतारना है ये उतार लो, वीडियो पॉज कर लो, ये उतारना है ये उतार लो, वीडियो पॉज कर लो। यही प्रैक्टिकल पॉइंट्स पर उसने आज तक, दैट मीन्स एग्जामिनर ने आज तक क्वेश्चंस पूछे हैं। ये लो म्युनिसिपल टैक्स सेक्शन प्रोविजो टू सेक्शन 23(1), ये बुक से देख लेते हैं क्या हमने सारी बातें इंक्लूड की हैं कि नहीं की है। म्युनिसिपल टैक्स आर टू बी डिडक्टेड फ्रॉम जीएवी इफ बोथ आर फॉलोइंग कंडीशन, दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि ओनर ने पे किया हो और एक्चुअली पेड हो। Points to be remembered, municipal tax are allowed a deduction in the previous year of payment even if related to past year. चाहे पिछला है तो भी allowed हो जाएगा। Municipal tax levied by foreign local authority deductible if such tax paid by the owner. Owner ने pay किया हो तो basic condition थी, foreign का allowed हो जाएगा, India में भी foreign में भी। Refund of municipal tax not taxable. अगर आपको refund मिला है municipal tax का वो taxable नहीं होगा। If municipal tax borne by the tenant, rent received receivable should not be increased by calculated rent since it is duty of the occupier of house property tenant to pay municipal tax. By chance agar question mein aapko de de ki municipal tax, aapko kya bolega? Rent received 20,000, municipal tax 2,000 paid by the tenant. To kabhi bhi rent ko 22,000 mat karna, 20,000 hi karna. Kya bol raha hai? If municipal tax borne by the tenant, रेंट रिसीव्ड रिसेबल शुड नॉट बी इंक्रीज्ड, 2,000 रुपए से मत बढ़ा देना अगर टेनेंट ने वो म्युनिसिपल टैक्स दे दिया तो, टू कैलकुलेट रेंट सिंस इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑक्यूपायर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, जो उस घर में रहता है उसी की ड्यूटी है कि भाई तू म्युनिसिपल टैक्स भी दे, ठीक है वो बात अलग है, सरकार उसका डिडक्शन नहीं दे रही क्योंकि ओनर पे करेगा तभी डिडक्शन मिलेगा, वो एक अलग मैटर, लेकिन जो रहता है वही म्युनिसिपल टैक्स देगा। अगर वो म्युनिसिपल टैक्स दे रहा है तो कभी भी ये मत बोलना अरे पैसे का ना आना, पैसे का जाना भी तो ना आना होता है या पैसे का ना आना भी तो जाना होता है, दैट मींस अरे वो ओनर भी तो पे करता, तो एक काम करो 20,000 रेंट आ रहा है, 2,000 रुपए वो म्युनिसिपल टैक्स उसने उधर पे कर दिया, वो इसको देता फिर ये पे करता, तो इसका जो रेंट होगा ना वो 22,000 होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, जो नेट मिला वही होगा। इफ म्युनिसिपल टैक्स आर गिवन ऑन परसेंटेज बेसिस, तो किसका लोगे? म्युनिसिपल वैल्यू का, ना कि जीएवी का, देन इट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन म्युनिसिपल वैल्यू, ऑल्सो नोन एज हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, लोकल टैक्स एक्सेट्रा। म्युनिसिपल टैक्स इंक्लूड वाटर टैक्स, सीवरेज टैक्स, फायर टैक्स, एक शब्द और मिल गया, फायर टैक्स भी यहां में इंक्लूड होगा। हाँ जी, बात समझ आई कि नहीं आई? सर आ गई, बोलो जी, आ गई सर, तो बताओ फटाफट, कुछ अलग लगा, हटके लगा पिछला अगर आपने अटेम्प्ट दिया था, या आप फ्रेश बच्चे हैं और आपने पढ़ा था रेगुलर कोर्स में या कुछ भी सेल्फ स्टडी की थी, तो कुछ लगा कि हाँ कुछ एडिशनल नॉलेज गेन हुई है, हाउस प्रॉपर्टी में कुछ मिला, और कल जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तब आपको और पता चलेगा कि हाँ वाक्य में डिफरेंस है जो हमने पहले पढ़ा था और जब हम अब पढ़ रहे हैं। मई 2024 में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा ही करेगा और अटेम्प्ट निकलेगा ही निकलेगा। अभी तक मैंने बताया कि आज हम हाउस प्रॉपर्टी पहला हेड हमने शुरू किया है, अगर अभी भी बाय चांस ये वाली वीडियो अगर यूट्यूब पर आए और कोई बच्चा अभी भी ज्वाइन कर सकता है तो इजीली वो ज्वाइन कर सकता है, आपको विजिट करना पड़ेगा ज्वाइन करने के लिए www.jagulia.com या फिर टैक्स टारगेट क्लासेस या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये चीजें मिल जाएंगी।
मैं आपको एक लिंक भिजवाऊंगा, उस पर अपना फीडबैक जरूर देना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे कल। आज घर में शादी है तो थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा, क्लास जरूर ली है हमने, चाहे पौने 2 घंटे की क्यों ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, थैंक यू।